सो एनी वेज आई थिंक एज आई सेड या दिस सेशन इन पर्सन बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होता है. वर्चुअल में तभी तक हेल्पफुल है जब तक हम लोग ध्यान से सुनते हैं ऐसे. अगर हम अपना कैमरा ऑन करके ध्यान से सुनते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, तो फिर हमें कुछ सीखने को मिलेगा. बट वर्चुअली अदरवाइज अगर हमने कैमरा ऑफ कर दिया और इधर उधर घूम रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तो वैल्यू मिलनी थोड़ी कम हो जाएगी. दैट्स गोइंग टू हैपन फॉर श्योर. राइट. या संतोष जी, आपने यू मिस द लास्ट सेशन. आई डोंट नो बट यू कैन आस्क. आई विल एक्सप्लेन अ बिट अबाउट इट, बट वी विल सी. ओके, सो we talked about this mantra last time ki because ye vedic knowledge hai to we should actually pay our respect to guru ko ek respect dikhana zaruri hai. uske bina vedic knowledge aisa nahi hota hai ki aap paise deke khareed ke le aayi aur kitabein aur seekh li. that's not going to work. usse kaam nahi chalega. to hum sabse pehle isse shuru karte hain aur aap mere piche recite kar sakte hain. okay. अज्ञान तिमिरंधस्य ओम अज्ञानस्य अस्य ज्ञानंजन शलाकय ज्ञानम जलस्य शलाकय चक्षुर उन्मिलितम येन चक्षुर उन्मित येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः. सिंपल सा मंत्र है. मतलब यह है कि मैं अज्ञान के तिमिरंधस्य यानी अज्ञान के अंधेरे में पैदा हुआ था. ओके. और मैं फंसा हुआ था और ज्ञान अंजन चला गया. किसी ने आके मेरी आंख में अंजन लगा दिया, ठीक है, ज्ञान का, और जिससे मुझे चक्षु मिल गया. और जिससे मुझे चक्षु मिले उन गुरु को मेरा नमस्कार. ओके. क्योंकि हम सब जब पैदा होते हैं, हम पैदा होने के बाद भी अंधकार में होते हैं क्योंकि हमारे पास ज्ञान नहीं होता. और इस ज्ञान से ही हम सही और गलत के बारे में पता कर सकते हैं. राइट. हम सब फंसे हुए हैं किसी ना किसी चीजों में, बट सच पता करने का एक ही तरीका है और वो है ज्ञान. और वो ज्ञान हमें गुरु से मिलता है, तो इसलिए हम उस गुरु के लिए ग्रेटफुल हैं, थैंकफुल हैं. दिस इज व्हाट इट मींस, नथिंग मच. राइट. सो ओके, विद दिस लेट मी प्रेजेंट द सेशन. और अगर कोई भी क्वेश्चन पहले का कुछ रह गया होगा, कुछ होगा, तो हम बात कर सकते हैं. तो आज का जो टॉपिक है वो इतना कुछ है बताने को कि पता नहीं कितने काफी टाइम लगेगा, बट हम कोशिश करेंगे समराइज करने की. और अगर कोई क्वेश्चन हो किसी भी पॉइंट पे तो प्लीज पूछिए, तभी हेल्प हो पाएगी. तो जस्ट टू रिवाइज, लास्ट टाइम हमने बात ये की थी कि मनुष्य जन्म जो है वो सिर्फ खाने पीने डिफेंड करने में या फिर इंजॉयमेंट करने के लिए नहीं बना हुआ है. और इस बॉडी में, इस मनुष्य के लाइफ में हमें कई तरह की प्रॉब्लम्स भी होती हैं. राइट. आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक क्लेश. राइट. अपने अपनी बॉडी से होने वाली प्रॉब्लम्स, दूसरे जो हमें परेशान करते हैं, और किस तरह से दैविक चीजें होती हैं जैसे कि भूकंप, सूखा, बाढ़, और उसके अलावा और भी चीजें होती हैं, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि. राइट. डेथ, ओल्ड एज, डिसीज एंड बर्थ. राइट. ये चार चीजें हमेशा होती रहती हैं, हर एक के साथ होती हैं. तो ये सब पे फंसे रहने के लिए नहीं है, क्योंकि हमें फिर से बर्थ मिलेगी, फिर से डेथ होगी. तो चीज सोचने वाली ये है कि हाँ, क्या कुछ इसके अलावा भी है, क्या कोई हम, और हमने बात की थी कि हम एक सोल हैं, और सोल का एक धर्म है, वो है वापस अपने वैकुंठ, अपने धाम में जाए, अपनी जगह पर जाए जहां पर वो था. राइट. उसका घर जहां पर था, और वहां कैसे जाए, क्या करें, तो शास्त्र बताते हैं उसका एक ही रास्ता है, और वो है योग. अब योग जैसे ही हम सुनते हैं ना, किसके मन में क्या आता है, योग सुन के क्या थॉट आता है, क्या क्या आता है दिमाग में? प्राणायाम आता जी. हाँ, प्राणायाम. या एग्जैक्टली, गुड. और क्या आता है? सूर्य नमस्कार बोलते हैं, अलोम विलोम, कपाल भाती. व्हाट एल्स? योग का मतलब जोड़ना, मतलब उसके फिर बाद आपके जितने भी फिजिकल एक्टिविटीज आती हैं, जो आप शरीर को अपना वो करके वो करते हो, थोड़ा अपने आप को वो करने के लिए, अच्छा, रिजुनोवेट करने के लिए. बट योग का अगर आप मीनिंग देखें तो योग मतलब जोड़ना, मतलब वो भौतिक और फिजिकल भी हो सकता है, मतलब सॉरी, आपका मेंटल एंड योर फिजिकल भी हो सकता है, एंड देन हम फिजिकल एक्टिविटी तो करते हैं. तो एक कंफ्यूजन भी है जी, आदि योग बोलते हैं ना वो सद्गुरु का, कंफ्यूज बिटवीन व्हाट इज दैट एंड व्हाट इज दिस, वर्ड्स आर द सेम. योग नहीं, दैट इज कॉल्ड आदि योगी, नॉट आदि योग.
तो ठीक है, हम पहले बात करते हैं। हाँ, नॉर्मली अजीब अजीब से थॉट्स आते हैं जब हम योग के बारे में सुनते हैं ना, तो सबसे पहले जो थॉट आता है वो ये है कि एक दाढ़ी वाले बाल ऐसे किसी को, एक आदमी है जो सर के बल खड़ा हुआ है, राइट। कुछ ऐसी सी थॉट्स आती हैं योग योगी के सुन के, राइट। या फिर ऐसी थॉट्स भी आती हैं कभी कभी कि ओके, आजकल जो रिसेंट टाइम पे थॉट आती है कि अरे यंग लड़के लड़कियां हैं, एथलेटिक कपड़े पहने हुए हैं और कुछ तो पोज पोज वोज बना रहे हैं इधर उधर, राइट। दैट्स ऑल्सो थॉट्स दैट कम्स टू अवर माइंड, राइट। इसके अलावा और भी आता है कि क्लास भरी हुई है, लोग अपने योगा मैट लेके बैठे हुए हैं और कुछ कुछ कर रहे हैं, राइट। दिस इज व्हाट वी थिंक, राइट। व्हेन जब योग के बारे में दिमाग में आता है तो ऐसा ही कुछ थॉट आता है। बट बेसिकली बेसिकली योग का मतलब ना फिजिकल जिम्नास्टिक्स से बहुत ही अलग है, ठीक है, जो हम जिससे जोड़ते हैं। और जैसे कहा लोकेश जी ने, बेसिकली योग जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि दो और तीन का योग कर दो, ओके, व्हाट इट मींस इज 2 + 3 करो हिंदी में, दिस व्हाट इट मींस। तो योग का मतलब जोड़ना होता है, दैट इज राइट। बट किसको किससे जोड़ना, राइट। अभी हमने बात की थी, जब हमने शुरू में बात की थी कि ओके, हम एक सोल है, एक जीव है और एक भगवान है जिनके साथ हम हमेशा थे पहले जुड़े हुए, और यहाँ पे हम दूर हो गए, तो उस जोड़ने की प्रोसेस को योग कहते हैं, खुद को उन भगवान से जोड़ने की प्रोसेस को योग कहते हैं, ठीक है। अब योग भगवत गीता, और हम भगवत गीता से ही बात कर रहे हैं मोस्टली शुरू से ही अभी तक, तो भगवत गीता में को योग शास्त्र कहा जाता है, ब्रह्म विद्या योग शास्त्र, ओके। तो ब्रह्म विद्या क्या है उस पर अलग बात करेंगे, बट योग शास्त्र है वो, वहां पे अलग अलग तरह के योग बताए गए हैं। इसको लोगों ने इस तरह से सोचना समझना बंद कर दिया क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है भगवत गीता क्या है, तो उसमें बहुत तरह के योगा डिस्क्राइब है प्रोसेस, ठीक है। और अलग अलग समय के हिसाब से भी अलग अलग योगिक प्रोसेस होती हैं, बहुत सारी प्रोसेस हैं। जैसे कि लोगों ने सुना होगा नाम, राइट, कर्म योग है, ज्ञान योग, ध्यान योग है ना, हट योग, राज योग, भक्ति योग, और इस तरह के बड़े सारे नाम सुनने को आते हैं, राइट। आई मीन आई होप सम टाइम और द अदर सुना होगा कभी ना कभी, राइट। सो ये सारी नाम है और काफी डिटेल में डिस्क्राइब है कि ये सब क्या होती हैं, किस समय के लिए क्या क्या रिकमेंडेड है। फॉर एग्जाम्पल, जब सतयुग का समय था, लोगों के पास बहुत सारा समय होता था, लाइक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक वो बैठ के ध्यान में लगे रहते थे, ठीक है, और एंड दे वर एबल टू डू इट क्योंकि उनके पास इतना इतनी बड़ी लाइफ स्पैन थी और इतना पीसफुल माइंड था कि वो ऐसा कुछ कर सकते थे, ओके। और जब थोड़ा और समय आगे गया तो उसके बाद लोगों ने डीटी वर्शिप भी करनी शुरू की, ठीक है, लोगों ने अलग अलग तरह के ज्ञान योग, एक प्रोसेस है ज्ञान योग, वो प्रोसेस है जहां पे आप ज्ञान के थ्रू भगवान की तरफ पहुंचने की कोशिश करते हो। ज्ञान के थ्रू कैसे, ओके, ये मैटर है और ये स्पिरिट है, इसको आप नॉलेज से समझते हो, ये जो बॉडी है ये मैटर है, ठीक है, बट ये जो स्पिरिट है वो एक्चुअल चीज है, ओके, व्हाट एल्स इज स्पिरिट, ऐसे आप समझते हो, और समझते समझते आप धीरे धीरे ज्ञान के थ्रू आप पहुंचने की कोशिश करते हो गॉड तक, ठीक है। ध्यान योग जिसको, जिसके और भी बहुत सारे नाम है, जैसे कि अष्टांग योग कहते हैं उसे, हठ योग, राजयोग भी कहते हैं, तो अष्टांग योग का मतलब होता है अष्ट अंग, 8 limbs, ओके, तो 8 अंग है उसके, जिसका जिसमें सिर्फ जिम्नास्टिक्स नहीं होता, ठीक है, उसमें बहुत सारी और भी प्रोसेस है, हमें सिर्फ उतना ही पता है जितना हम देखते हैं जिम्नास्टिक्स करते हुए लोगों को, बहुत वो बहुत ही अर्ली स्टेजेस हैं उस अष्टांग योग के, ठीक है, जिसमें आगे जाके धारणा, ध्यान, समाधि, ऐसे स्टेजेस आते हैं जहां पर आप पूरी तरह समाधि में चले जाते हो और आप उस परमात्मा का ध्यान करते हो जो आपके हृदय में है। हमने बात की थी, राइट, कि हर एक के हृदय में एक आत्मा होती है और एक परमात्मा होता है, तो आप परमात्मा के ध्यान में जाते हो और वहां पर उन परमात्मा तक पहुंचने की कोशिश करते हो। बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है बिकॉज बहुत शांति से बैठ के, तो जो हम जिनको योगी समझते हैं ना, जो जंगल में बैठे हुए कर रहे हैं, वो सब एक्चुअली अष्टांग योग कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा और भी तरह के कैटेगरी ऑफ योगी योगज होते हैं जो कि ध्यान योग, कुछ कुछ लोग ज्ञान योग के थ्रू पहुंचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी तरह से योगिक प्रोसेसेस डिस्क्राइब है और वन ऑफ देम इज ऑल्सो भक्ति योग, ओके। नाउ इंटरेस्टिंगली, भक्ति योग जैसे भगवद गीता और बाकी शास्त्र बताते हैं, भक्ति योग जो है वो इन सारी प्रोसेसेस में सबसे ऊपर है। तो योगा के ना अपने एक लैडर है, एक तरह से लैडर मीनिंग कि हम लोग कई जन्मों से हम सोल हैं, बर्थ हो रही है और डेथ हो रही है, तो कभी एक टाइम पर एक तरह की योगिक प्रोसेस फॉलो करके जो लोग एलिवेट होते हैं वो अगली लेवल पे पहुंचते हैं,
लेवल कुछ ऐसा सा है, मतलब मैं बहुत हाई लेवल समझा रहा हूँ, बहुत डीप है, बट बेसिकली सबसे पहले हम एनिमल लाइफ में होते हैं. एनिमल लाइफ कौन सी हमने बात की थी, आहार निद्रा भय मैथुन हम च, राइट, कि आहार निद्रा भय और मैथुन, राइट, ईटिंग मेटिंग डिफेंडिंग, राइट, ये सारी चीजों पे लगे रहते हैं एनिमल की तरह. उसके ऊपर का लेवल आता है जिसको कर्म कांड बोलते हैं. कर्म कांड मतलब जिसमें आप कुछ पाने के लिए कुछ पूजा करते हो, ज्यादातर लोग ऐसी पूजा करते हैं, राइट, कुछ मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा, वगैरह वगैरह, राइट, इस दुनिया का शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, जॉब लगेगी वगैरह, उसको बोलते हैं कर्म कांड. उसके ऊपर योगिक प्रोसेस शुरू होती है इस पॉइंट के बियॉन्ड, और उसके बाद पहला प्रोसेस है कर्मयोग. ओके, वेयर वर्क के थ्रू, बिकॉज आप वर्क करने के लिए एडिक्टेड हो, हर कोई वर्क करता है, तो उस वर्क को कैसे डायरेक्ट करें सही डायरेक्शन में, उसको उस डायरेक्शन को कर्मयोग, उस तरह से आप कर्मयोग कहते हैं उसे, ठीक है. उसका अगला लेटर होता है ज्ञान योग, ओके, जहाँ पे नॉलेज के थ्रू लोग पहुंचने की कोशिश करते हैं. उसके ऊपर होता है अष्टांग योग, और उसके ऊपर होता है भक्ति योग, ठीक है. धीरे धीरे लाइफ आफ्टर लाइफ टाइम लोग ऐसे करते करते पहुंचते हैं, ओके. और भक्ति योग में भी डिफरेंट टाइप ऑफ तरीके से, भक्ति योग इज मोर लाइक डायरेक्टली भगवान की सेवा करने की कोशिश करना, ओके, एंड दैट इज द बेस्ट, बिकॉज आप डायरेक्टली गॉड को अप्रोच करते हो, ना कि राउंड अबाउट वे से. इट इज इवन पॉसिबल कि आप डायरेक्टली भक्ति योग में जा सकते हो, लेकिन जो नहीं जाते हैं वो भी ग्रेजुअली धीरे धीरे लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम दे कीप ऑन ट्रैवलिंग टू डिफरेंट लेवल्स, ओके, ऐसा ऐसा अरेंजमेंट है नेचर का अपने आप ही, ओके. सो नाउ यू विल से कि अरे am I saying भक्ति योग इज बेस्ट जस्ट बिकॉज वट एवर, राइट, इज देर एनी रीजन? नो नो, शास्त्र क्लियरली से, ठीक है. सो भगवदगीता इट सेल्फ से, भगवदगीता में जब सारे योग को डिस्क्राइब कर देते हैं कृष्ण, तो एक श्लोक आता है, एंड ही सेज योगिनाम अपि सर्वेषां मर्यते रंतरात्मनः श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्ता तमो मत. तो बोलते हैं कि मेरा ओपिनियन है, वो बोलते हैं मेरा मत है ऐसा, कि जितने भी तरह के योगी हैं उन सब में सर्वेषां, ओके, उन सब में जो मेरे को श्रद्धावान भजन करते हैं, मेरा जो जो भक्त हैं, दे आर द बेस्ट वंस, दे आर द बेस्ट योगीज, ओके, दे आर ट्राइंग टू कनेक्ट टू मी इन द बेस्ट वे. And that is my opinion. This is what he says. Okay, so by that, what we can understand, yes, bhakti yoga is the best of all. Now, bhakti yoga kya hota hai? So that is again described in scriptures. मैं थोड़ा ऊपर जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने session अभी शुरू ही नहीं किया है. Okay, so I mean, like, you know, I'm going a bit fast, but आप मुझे कहीं भी stop करके question पूछ सकते हो. तो now bhakti yoga, what does bhakti yoga involves? Right. So Srimad Bhagavatam answers. It says there are 9 ways. भक्ति योग कैन बी डन, मतलब नौ तरीके से भक्ति योग किया जा सकता है. वो कौन कौन से हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम. ये सारे नौ तरीके से होता है, ठीक है. तो कौन कौन से हैं? श्रवण कीर्तन यानी हियरिंग, हियरिंग लाइक व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ बाय द वे इज हियरिंग. हम कुछ अच्छा सुन रहे हैं, राइट, भगवद गीता के बारे में सुन रहे हैं. तो ये भी एक तरीका है भक्ति योग करने का, बिकॉज जब तक हम जानेंगे नहीं तो हम करेंगे क्या, राइट. और कीर्तन, यानी कीर्तन क्या होता है? साउंड वाइब्रेशंस आर वेरी पावरफुल, जस्ट टू से, ठीक है, साउंड वाइब्रेशंस आर मैजिकल. नाउ हम कैसे कीर्तन कर सकते हैं और कीर्तन क्या होता है, इस बारे में हम बात करेंगे. बट इसके अलावा और भी प्रोसेसेस हैं. नाउ इन सारी नौ प्रोसेसेस में श्रवण और कीर्तन जो है वो बहुत ही प्राइमरी है, ओके, बिकॉज दैट इज द इजिएस्ट इन दिस एज. एंड व्हाई इट इज इजिएस्ट वील टॉक ऑल्सो, राइट. बट ये तो जो दो तरीके हैं ना, इससे भगवान तक पहुंचना सबसे आसान है, बहुत ही ईजी है. और क्यों आसान है, क्या है, इस बारे में भी हम बात करेंगे. और हम इन सारी चीजों पे आज बात करने की कोशिश करेंगे, समझने की कि जो योगा का सबसे डायरेक्ट तरीका है और सबसे ईजिएस्ट तरीका है इस एज में, वो क्या है और कैसे हम उसे फॉलो कर सकते हैं, राइट. तो कैसे हम भगवान तक जा सकते हैं डायरेक्टली, इस बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे, राइट. एनी क्वेश्चन सो फार? It makes sense, right? But whatever I'm saying. Yes, Guruji. पहले मेरी understanding क्या थी कि जो भी योग का तरीका, जैसे भक्ति योग या कर्म योग, जैसे आपने अष्टांग योग बताया, तो हम किसी भी योग के माध्यम से हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं. और जब हम एक बार परमात्मा से जुड़ जाते हैं तो हमारा ये बर्थ लाइफ साइकिल से मुक्ति मिल जाती है. लेकिन अभी आपने क्या बताया कि ये सारे एक लैडर्स हैं, जिसका मतलब हमने अगर मान लिया कर्म योग से स्टार्ट किया तो अगेन हमें आगे भक्ति योग में जाना ही पड़ेगा. ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है श्रीमद भागवत. मतलब क्योंकि हमने एक बार बात कर चुके हैं कि शास्त्र प्रमाण है, शब्द प्रमाण होता है. तो क्या होता है कि
श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में, थर्ड कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम में काफी लंबा डिस्कशन है, उसमें बताते हैं वो कि जैसे आप जब मान लीजिए आप अष्टांग योग भी कर रहे हो, ठीक है, अष्टांग योग करने के बाद जब आप परमात्मा, परमात्मा एक अलग चीज है और भगवान एक अलग चीज है, भाई मैं जस्ट बता दूं आपको, श्रीमद् भागवतम में आता है कि जो जो ब्रह्मन, ब्रह्मन जो मतलब जिनका कोई फॉर्म नहीं है, जो लाइट की तरह दिखते हैं, कई लोग बोलते हैं ना उनको बोलते हैं ब्रह्मन, ठीक है, परम ब्रह्म, और उसके बाद एक एक और रूप है भगवान का, वो रूप है जिसमें जो हृदय में बैठे हुए हैं सबके, विष्णु रूप में, ठीक है, जिनको शिरोधक्ष विष्णु भी बोलते हैं, उनका नाम परमात्मा है जो हर एक के हृदय में बैठे हुए हैं, और उसके अलावा भगवान एक अलग चीज है जो वैकुंठ में बैठे हुए हैं, ठीक है, जो आराम से वहां बैठ के पीसफुली बैठे हुए हैं। तो ये तीन अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं, भगवान के अलग अलग रूप हैं, ऐसे कहते हैं हम श्रीमद् भागवतम की वदन्ति तत्त्वविद तत्व ज्ञान अव्ययम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते, जिनको तत्व समझता है उनको पता है कि ये तीन डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ऐसा कहता है श्रीमद् भागवतम। सो या सो बेसिकली श्रीमद् भागवतम थर्ड कैंटो में कहते हैं कि जब आप बेसिकली जब आप परमात्मा का ध्यान करते करते वहां तक पहुंच जाते हो अष्टांग योग में, तो उसके बाद जब आपको परमात्मा का फॉर्म दिखाई देता है, तब से भक्ति आपकी उदय होती है, आपको दिखाई देता है कि अच्छा वो ये है रियल पर्सन, इनकी तरफ जाना है, एंड देन आप उस तरफ जाने की कोशिश करते हो। तो यस, इट इज अ लैडर, निकलने के लिए तरीका नहीं है, क्योंकि इनके पास ना अलग अलग लेवल तक पहुंच सकते हैं ये सारे लोग जो है ना, जैसे ज्ञान योगी जो है ना वो एट मोस्ट ब्रह्मन तक पहुंच सकता है, उसके आगे नहीं पहुंच सकता। हम वैकुंठ जाने की बात कर रहे हैं, जो हमारा प्रॉपर जगह है ना वो वैकुंठ है, राइट, वो ब्रह्मन के आगे नहीं जा सकता एक ज्ञान योगी, ठीक है। इसी तरह एक अष्टांग योगी परमात्मा इज द हाईएस्ट लेवल, परमात्मा के आगे अचीव नहीं कर सकता, बट एक भक्ति योगी जो है वो डायरेक्टली भगवान तक ही पहुंच सकता है पूरी तरह से। तो ये डिफरेंस है इन योगों में, यू आर राइट, किसी भी योग के थ्रू आप एलिवेट होते हो, क्योंकि ये सारी ही अमेजिंग प्रोसेस है, मतलब एक एनिमल लाइफ से जो हमने सबसे पहले बात की थी, राइट, हर निद्रा भय मैथुन से, उनसे तो बेटर है ही, लेकिन जब आपको वहां जाना है, राइट, अगर आपको वैकुंठ वापस जाना है, तो तरीका एक ही है, एंड दैट इज भक्ति योग, राइट। सो यू आर वेरी क्लोज, बट इट इज अ लैडर। मैं कभी एक डायग्राम दिखाऊंगा आपको लैडर का, मतलब शास्त्र बताते हैं, भगवत गीता में भी लैडर बताया हुआ है, और श्रीमद् भागवत में भी बताया हुआ है कि एक लैडर है जिसमें धीरे धीरे आप प्रोग्रेस करते हो, ओके, लेकिन कुछ कुछ तरीके हैं, मतलब शॉर्टकट्स भी हैं, आप डायरेक्टली भक्ति योग में जम कर सकते हो, कभी कभी कर्म योग के थ्रू लोग ज्ञान योग से होते हुए भक्ति योग में जाते हैं, कुछ लोग कर्म योग से भी भक्ति योग में चले जाते हैं, ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, शॉर्टकट्स हैं वहां पे, ओके, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट डिफरेंट जो आचार्य हैं, डिफरेंट गुरु हैं, वो अलग तरह से पाथ से लेके जा सकते हैं, डिपेंड करता है, ओके, बट हम डायरेक्टली जाएंगे, ठीक है, वी विल जस्ट एंटर डायरेक्टली, सो दैट्स व्हाट इट इज ऑल अबाउट। गुरुजी, लाइक हमने बोला डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में एलिवेट होने के बाद वी विल ट्राई टू रीच द अल्टीमेट थिंग, राइट, लाइक मे बी एज एनिमल, देन वी विल डू एट हाई लेवल वी डू भक्ति योग। हमने कैसे पता चलेगा एट व्हाट लेवल वी आर टिल द लास्ट जन्म? या सो ओके, सी यू डू, आपको ये पता करना जरूरी नहीं, यू डोंट नीड टू फाइंड कि आप पिछले जन्म में क्या थे, ठीक है। भक्ति योग का एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इट कम्स इन भगवद गीता एंड मेनी स्क्रिप्चर्स, कि जिस लेवल पे आप छोड़ते हो ना, यू गेट अ अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट फ्रॉम दैट लेवल। कैसे पता चलेगा किधर स्टार्ट करना बोल के? यू डोंट नीड टू फाइंड, बेसिकली अभी देखो आपको किसी ने तो लाके इधर इस ग्रुप में ऐड कर दिया, है ना, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट भगवद गीता, और हम इसके बारे में इसके आगे की बातें कर रहे हैं, और अगर सो यहाँ तक का जो एक्सेस है ना, ये भगवद गीता और श्रीमद भागवत तक की बात करने का एक्सेस, नॉट इजी, ठीक है, हर एक को समझ में नहीं आता, आपको एक्सेस कैसे मिल गया? सो दैट इटसेल्फ इज अ प्रूफ कि ओके, किसी पॉइंट तक आप गए और उसके आगे आपको जाने का मौका मिल रहा है। तो भगवद गीता में कृष्णा क्लेम्स, ही कन्फर्म्स, ओके, ही सेज, कृष्णा सेज कि अरे जहां तक भी वो गया ना, नेक्स्ट जन्म में अगर उसने नहीं कंप्लीट कर पाया अपना जर्नी इस लाइफ में, तो नेक्स्ट लाइफ में आई विल गिव हिम द अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द सेम लेवल फॉर हिम टू कंटिन्यू। सो यू डोंट नीड टू बॉदर, इट इज लाइक अ इटर्नल बैंक अकाउंट, जैसे एक इटर्नल बैंक अकाउंट होता है ना, उस तरह से ये है, मतलब अगर इस लाइफ में नहीं हो पाया तो नेक्स्ट लाइफ में कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड दिस इज डिफरेंट देन पाप एंड पुण्य, बाय द वे, ये पाप और पुण्य का अकाउंट से डिफरेंट है, क्योंकि पाप और पुण्य का अकाउंट जो है वो खाली होता रहता है, बहुत सारा कार्मिक अकाउंट, जैसे जैसे आप पुण्य को यूज करते हो पुण्य खत्म होता जाएगा, बट ये जो अकाउंट है भक्ति का, ये हमेशा इटर्नली अगले लाइफ में कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। वो कब शुरू करना भी ऑटोमेटिकली समथिंग विल स्टार्ट, राइट, लाइक आई हैव नॉट स्टार्टेड दिस वन,
10 years ago, rather talking to you, understanding this. So, बोले तो there is a something which will automatically plan for us. हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल. That also scriptures say कि जब आपके ना पुराने पाप थोड़े कम हो जाते हैं ना, then you become qualified to talk at the next level. Okay. ठीक है. That's a verse. भगवत गीता में एक verse है इसके नाम. But anyways, I think so far so good, right? तो ठीक है, let's start. So we'll talk about श्रवण कीर्तन क्या होता है. ठीक है, उस बारे में बात करेंगे आज. बहुत लंबा टॉपिक है, but we'll see. So anyways, yeah, so many things आज के लिए बात करेंगे. तो सबसे पहले समझते हैं कि ये साउंड वाइब्रेशंस होती क्या है. ठीक है, साउंड वाइब्रेशंस जो है बहुत ही, एज वी नो राइट, साउंड वाइब्रेशन बहुत ही पावरफुल चीजें होती हैं. राइट, मतलब काफी लाइफ को चेंज करने लायक चीजें होती हैं. जैसे कि मार्टिन लूथर किंग, राइट, अगर आप किसी को बताओ, जस्ट वॉइस से अपनी उसने रिवॉल्यूशन क्रिएट कर दिया. सो मेनी पीपल, ग्रेट पीपल, राइट, जिन्होंने अपनी वॉइस से रिवॉल्यूशन क्रिएट कर दिया, अपने बोलने से रिवॉल्यूशन क्रिएट कर दिया. सच इज द पावर ऑफ साउंड, राइट. महात्मा गांधी, सो मेनी ग्रेट पीपल. ओके, इवन बट अबाउट बुक्स, राइट, बुक्स ने रिवॉल्यूशन क्रिएट कर दिया. राइट, वॉट काइंड ऑफ बुक्स वी रीड, वॉट काइंड ऑफ साउंड वी हियर, जो हम सुनते हैं, जो हम पढ़ते हैं, वो हमारी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर देता है. राइट, महात्मा गांधी सेड कि अरे उन्होंने बचपन में रामायण पढ़ी थी और उस रामायण ने उनकी लाइफ में इतना इफेक्ट किया कि वो उनको रियलाइज हुआ कि एक आइडियल सोसाइटी कैसी होनी चाहिए. ओके, एंड ही ट्राइड इन हिज लाइफ. तो एक एक छोटी सी एक बुक ने कितना इफेक्ट क्रिएट किया. उसकी जगह पे लोग, आप स्टेशन में जाते हो, वहां पे टाइम पास बोल के कोई तो मैगजीन एक पकड़ा देते हैं. राइट, उस मैगजीन में उल्टी सीधी फोटोज होती हैं, कुछ कुछ स्टोरीज होती हैं, उनको पढ़ के वी गेट सिमिलर फीलिंग. राइट, हम वी बिकम लाइक देम, वी एस्पायर टू बिकम लाइक अ मूवी स्टार जो कि ड्रग्स लेता है, जो कि पता नहीं क्या क्या करता है, बहुत कुछ है. हमें लगता है कि उनकी तरह हेयर कट करके हम बेटर हो जाएंगे. और जो बुक्स होती हैं वो भी एक्चुअली रिकॉर्डेड साउंड है एक तरह से. राइट, सो साउंड इज वेरी पावरफुल. तो बुक्स या फिर साउंड जो हम सुनते हैं, दे मेक अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट इन अवर लाइफ. राइट, हर जगह पे होता है, हर एक के साथ ही होता है. सो इवन इमोशंस जनरेट होती है. राइट, हम देखते हैं एक रॉक बैंड होता है, उससे कितना लोग इमोशनल हो जाते हैं, पीपल डांसिंग, क्राइंग, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स. सो सब कुछ होता है. साउंड एक अमेजिंग चीज है दैट वे. राइट, इनफैक्ट साइंटिफिकली भी लोगों ने देखा है, केस स्टडीज भी की हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ये एक जगह है ऑरविल करके, एक जगह है पांडिचेरी में, आई डोंट नो आप किसको पता हो, अरविंदो का आश्रम है एक वहां पर. ओके, तो वहां पर क्या है, वहां पर वो लोग ना एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं. तो म्यूजिक बजाते हैं और वाटर होता है वहां पे, वाटर के एक कंटेनर होते हैं, उसके सामने कुछ एक मंत्र बोलते हैं. जब वो मंत्र बोलते हैं तो वहां पे वाटर्स के क्रिस्टल बन जाते हैं. ओके, और उसी जगह पर जब वो 120 डेसिबल का एक रॉक म्यूजिक बजाते हैं ना, तो वाटर पूरा एजिटेट हो जाता है. ठीक है, मतलब सिंपल एक्सपेरिमेंट कि मतलब इवन वाटर पे कितना इफेक्ट होता है साउंड का. राइट, इमेजिन हमारी कॉन्शियसनेस में क्या होगा. जैसे कॉलेज वॉलेज में टेक फेस्ट होता था हमारे, उसमें इतनी जोर जोर से रॉक बैंड्स म्यूजिक बजाते थे, लाइक यू नो इट वाज वेरी एजिटेटिंग. मतलब आप अपने हॉस्टल रूम में बैठे हुए हो फिर भी इतनी आवाज आती थी कि आप पीसफुली नहीं बैठ सकते हो. राइट, सो दैट इज द प्रॉब्लम. राइट, कि मतलब साउंड कैन क्रिएट हैवॉक. मतलब दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट ऑल. आई मीन सम पीपल से देयर आर लाइक यू नो दिस इज द पावर ऑफ हैविंग अ साउंड वाइब्रेशन. राइट, सो या सो मच कैन बी टॉक्ड अबाउट इट. Let me talk about what is mantra. Mantra word सुना है किसी ने ना, right? Mantra तो सबने सुना होगा कभी ना कभी. So जैसे जब हमारी when we are not well, right? हमारी तबियत खराब होती है तो हम क्या करते हैं? तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, right? But अगर mentally हम mind, जो हमने बात किया था कि mind intelligence है और एक ego है, right? मन बुद्धि और अहंकार. So mind जो है वो सबसे agitated चीज है. It is obvious, हमको सबको पता है. Mind दो चीजों पर काम करता रहता है, या तो केयर, या तो वो सोचेगा कि इफ एट ऑल दिस वुड हैव हैपेंड, राइट, इन द पास्ट, पास्ट में ये हुआ होता तो अच्छा था, वो हुआ होता तो अच्छा था. और या फिर सोचता रहता है कि व्हाट इफ, राइट, इन फ्यूचर ऐसा होगा क्या, वैसा होगा क्या, मैं पास होऊंगा क्या, मैं फेल होऊंगा वगैरह, ऐसी चीजें सोचता रहता है. तो माइंड हमेशा एजिटेटेड रहता है, या फिर मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, इस तरह की चीजें. तो जब हम मेंटली परेशान होते हैं तो क्या करते हैं, नॉर्मली हम जाते हैं मंदिर. राइट, मंदिर में जाते हैं जहां से हमारा मन थोड़ा अच्छा होता है ना, बिकॉज डॉक्टर्स के पास का सोल्यूशन नहीं है. उसी तरह मंत्र. राइट, तो मंत्र क्या होता है, मंत्र, इट हैज समथिंग टू डू विद माइंड, मन. ओके, तो मंत्र जो होता है ना, उसके टू वर्ड्स है, मंत्र यानी मन त्रायते इति मंत्र. ओके, जो कि माइंड को
डिलीवर करता है, माइंड को पीसफुल करता है, माइंड को लिबरेट करता है, ठीक है, वो होता है मंत्र। क्या जरूरत है माइंड को पीसफुल करने की, राइट? जब तक हम ये काम नहीं करेंगे ना, माइंड को पीसफुल नहीं करेंगे ना, ना तो स्पिरिचुअली ना मटेरियली कुछ भी करना पॉसिबल है, नहीं है। ओके, फॉर एग्जांपल थिंक अबाउट इट, राइट, कि अरे अगर हमारे पास चार घोड़े वाली एक वो है, व्हाटएवर कार्ट है, राइट, बग्घी है, अब उसमें चारों घोड़े अगर इधर उधर भागेंगे तो आप अच्छे से एक डायरेक्शन पे नहीं जा पाओगे, राइट? बट उसी जगह पे अगर चारों घोड़े एक डायरेक्शन में दौड़ेंगे तो थिंक इमेजिन की कितनी फास्ट मूवमेंट होगी। द सेम इज हैपनिंग, हम लोग कुछ एक डायरेक्शन में जाना चाहते हैं बट हमारा माइंड किसी और डायरेक्शन में हमको खींचता रहता है। आज ये करने का मन है, आज वो करने का मन नहीं है, आज नहीं पढ़ाई करेंगे, आज ऑफिस नहीं जाएंगे, वगैरह वगैरह, राइट? सो कैसे हम प्रोग्रेस कर सकते हैं प्रॉपरली? सो इवन मटीरियली प्रोग्रेस करने के लिए माइंड को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ओके, और किसी भी तरह के योग के लिए, उसके लिए भी बिना माइंड कंट्रोल के पॉसिबल नहीं है। आज सोचेंगे ये वाला योग करेंगे, कल सोचेंगे नहीं नहीं छोड़ते हैं, आज ठंड ज्यादा है, कल गर्मी ज्यादा है, आज भूख लग रही है, आज कुछ तो हो रहा है, राइट, आज मूवी जाएंगे, वगैरह वगैरह। तो मतलब माइंड कीप्स ऑन थिंकिंग लाइक दैट। सो बिना माइंड को कंट्रोल किए किसी भी तरह की प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं है, ना इधर स्पिरिचुअल नॉर मटीरियल। ओके, सो विद दैट बेसिकली सो दैट इज द पावर ऑफ मंत्र, राइट? सो देर इज समथिंग कॉल्ड एज मंत्रा मेडिटेशन। ओके, मैंने जो बोला श्रवण और कीर्तन जो है, जो दो चीजें हैं, राइट, ये दोनों चीजें एक्चुअली कंबाइन है मंत्रा मेडिटेशन में। और ऑफकोर्स श्रवण ऑल्सो मीन्स भगवान के नॉलेज को सुनना, बट श्रवण ऑल्सो मीन्स की मंत्रा को सुनना, दोनों चीजें इंक्लूडेड है इसमें। तो इसके दो दो टाइप होते हैं, एक होता है इसको बोलते हैं जप। अब जप क्या होता है, जप जो है वो पर्सनल मेडिटेशन है, ठीक है। सो शिवानी जी जस्ट ज्वाइन, सो आई एम जस्ट समराइजिंग कि हम योगा के बारे में बात कर रहे हैं और उस योग में हम मंत्रा मेडिटेशन के बारे में बात कर रहे हैं अभी। तो जो मंत्रा मेडिटेशन होता है उसमें जप इज लाइक पर्सनल मेडिटेशन, ठीक है। आप बीड्स हाथ में लेके, आपने देखा होगा लोग मेडिटेशन करते रहते हैं, राइट। और उसके अलावा जो दूसरा टाइप ऑफ मेडिटेशन होता है वो होता है संकीर्तन, ठीक है, जहां पर मल्टीपल लोग एक साथ कीर्तन करते हैं, ऐसा आपने देखा होगा, राइट, टुगेदर। नाउ व्हाट इज द बेनिफिट, ओ द सेम मंत्र में भी रिसाइटेड, राइट, सेम मंत्र बोल रहे होंगे लोग, लेकिन वो आसपास के सभी, आपको ही नहीं बेनिफिट होता बट आसपास में सभी को बेनिफिट हो रहा होता है, जो इंसेक्ट्स हैं, डॉग्स हैं, जो शॉपकीपर्स हैं रोड पे, जो कभी मंदिर नहीं जाते, इवन दे गेट बेनिफिटेड, राइट। सो ये दो तरह के मेडिटेशन होते हैं, जपा और संकीर्तन, राइट। एनी क्वेश्चन सो फार? ओके, गुड गुड, ओके ग्रेट। सो बेसिकली आप बोलोगे कि स्क्रिप्चर, राइट, तो अभी आई विल टॉक अबाउट अ मंत्र विच इज रिकमेंडेड फॉर कलयुग। ओके, और कलयुग में मैं बोलूंगा कि आप बोलोगे कि मंत्रा मेडिटेशन ही क्यों, राइट, कोई और भी तरह के तो इतने सारे योग हैं, मैंने बात किया, मैं कर्मयोग क्यों नहीं कर सकता या ध्यान योग क्यों नहीं कर सकता, क्या प्रॉब्लम क्या है, राइट? सो बेसिकली हर युग की एक प्रोसेस होती है, ठीक है। तो हर युग की एक प्रोसेस होती है, जैसे कि मतलब सतयुग की एक अलग प्रोसेस है, द्वापर युग की एक अलग प्रोसेस है, और कलयुग की एक अलग प्रोसेस है। एवरी युग हैज अ प्रोसेस। सो श्रीमद् भागवतम में एक वर्स आती है, ठीक है, विच एक्सप्लेन्स दिस प्रोसेसेस। इनफैक्ट नॉट जस्ट श्रीमद् भागवतम बट मेनी अदर स्क्रिप्चर्स, बहुत सारे स्क्रिप्चर्स भी इसके बारे में बात करते हैं। सो वो बोलता है कि कृते यध्यायतो विष्णु त्रेतायां यजते मखै द्वापरे परिचर्यानां कलौ तद् हरिकीर्तना। So it says, कृते यद् द्वापरे विष्णु। ओके, यानी कि बेसिकली जो सतयुग है उसमें मेडिटेशन, जो मैंने बताया ना कि सुपर सोल पे मेडिटेशन, जिसको अष्टांग योग बोलते हैं, राजयोग भी बोलते हैं, वो जो है वो प्रोसेस रिकमेंडेड थी। क्यों? क्योंकि आपके पास थाउजेंड्स ऑफ ईयर की ऑफ लाइफ होती थी और आपका माइंड बहुत पीसफुल होता था, एंड एट दैट टाइम आप पीसफुली ध्यान कर सकते थे, तो आसान था वो काम, राइट, बिकॉज दे हैड लॉट ऑफ लाइफ, राइट। आपने सुना होगा ऐसी स्टोरीज, राइट, कि वो थाउजेंड्स ऑफ इयर्स उसने तपस्या की, सो दिस इज व्हाट वो कर रहे थे, वो मेडिटेशन कर रहे थे परमात्मा के ऊपर, ठीक है। सो उस समय पॉसिबल था, बट त्रेता युग जैसे जो नेक्स्ट एज है त्रेता युग, उसमें लोग क्या करते थे, जो यज्ञ जिसको बोलते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा ना, स्वाहा स्वाहा करते हैं, राइट। और उस समय जो बताते हैं शास्त्र की, अरे एकर्स ऑफ लैंड, हंड्रेड्स ऑफ एकर्स ऑफ लैंड में वो बहुत सारे बनाते थे यज्ञ वेदी, ठीक है, और फिर वहां पर बैठ के वो यज्ञ करते थे, ठीक है, और वो यज्ञ भी बहुत 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 सदियों तक चलते थे, ठीक है। दैट वॉज द प्रोसेस। देन जब द्वापर युग आया तो लोगों ने
डीटी वर्शिप शुरू किया। ओके, डीटी वर्शिप मतलब आपको पता है मंदिरों में बहुत अच्छे से, क्योंकि इस जो डीटी वर्शिप होती है ना, जो भगवान की अर्च विग्रह की सेवा होती है ना, उसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो एक होती है क्लीनलीनेस और एक होती है पंचुअलिटी। ठीक है, कि हम कितने क्लीन हैं और कितने पंचुअल हैं, ये दो चीजें बहुत प्राइमरी होती हैं। नाउ दीज टू थिंग्स वेयर देयर टिल देन। ठीक है, लोग क्लीन थे, मतलब यू नो क्लीनलीनेस एक्सटर्नली नहीं होती है, इंटरनली भी होती है। ठीक है, तो डीटी वर्शिप बहुत एलाबोरेट थी, और उसके बाद द्वापर परिचर्या जाना, मतलब यू नो अर्च विग्रह की आराधना करते थे। और कलयुग में कलि तद हरि कीर्तनम, सो बेसिकली भगवान के नाम लेना इज द रिकमेंडेड थिंग। और ये कोई मैं सिर्फ उसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि श्रीमद् भागवतम बोलती है ये बात, और भी बहुत 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 सारे स्क्रिप्चर्स बोलते हैं। जैसे हमने बात की थी एक बार, याद है किसी को, कि परीक्षित, राजा परीक्षित के बारे में बात कर रहे थे हम एक बार, राइट किंग परीक्षित, जब कलयुग को पकड़ लिया था उन्होंने कि मार देंगे, याद है वो स्टोरी, दो सेशन पहले बात की थी। और तब क्या हुआ था, तब बेसिकली कलयुग में तब उन्होंने रियलाइज किया, परीक्षित से बात करके परीक्षित ने रियलाइज किया कि ये जो है ना कलयुग का एक फायदा है। ओके, वो फायदा ये है कलयुग का कि मतलब आप इतनी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, क्योंकि हम लोग इतने पावरफुल नहीं है ना, तो हमारी एज इतनी ज्यादा है ना, हमारा फोकस इतना अच्छा है, राइट, कि हम ये सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीजें कर सकें। तो किंग परीक्षित रियलाइज, और उन्होंने इसीलिए कलयुग को छोड़ दिया था, कि इसलिए छोड़ दिया था कि कलयुग में बहुत सिंपल प्रोसेस से कीर्तनाथ हरि कृष्णनाथ, मतलब मुक्त संग परम प्रजेत, सिर्फ कीर्तन से भगवान के नाम लेके सिर्फ मुक्त होना पॉसिबल है। ऐसा सुन के, ऐसा बोल के परीक्षित महाराज ने कलयुग को छोड़ दिया था, कि ये बड़ा इजी प्रोसेस है कलयुग में, चाहे कोई बात नहीं, मतलब इतने सारे बुरे चीजें हैं, अस्थि को महत्व गुना, एक एक तो एटलीस्ट अच्छी चीज है कलयुग में, ऐसे बोल के परीक्षित महाराज ने छोड़ दिया था। ठीक है, सो दैट इज अनदर ग्रेट थिंग। ओके, नाउ इवन डिफरेंट टाइप ऑफ यज्ञ कुछ भी हो, उसमें कृष्ण जब, एक्चुअली मैंने बता रहा था कभी लास्ट टाइम भी, कि जो बताते हैं भगवान कि जो बहुत तरह के यज्ञ होते हैं, मतलब उनमें से बोलते हैं, भगवान कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि उन सारे यज्ञों में, डिफरेंट टाइप के यज्ञों में जो जप यज्ञ होता है, ओके, ये भी एक यज्ञ है, ओके, एक तरह का, बट जब आप जप करते हो तो वो बोलते हैं कि वो मैं हूँ। जैसे वो बोलते हैं कि सारे तरह के जो स्टार्स होते हैं उनमें से मून मैं हूँ। ठीक है, सारे तरह के किसी तरह की चीजों में बेस्ट चीज मैं हूँ, ऐसे बोलते हैं। तो वैसे ही वो कहते हैं कि सारे यज्ञों में जप यज्ञ में हूँ। ओके, सो इट्स अ वेरी वेल नोन थिंग, इट इज नॉट लाइक कि कोई नया नई चीज बात कर रहे हैं, बहुत वेल नोन है हिंदुइज्म में, सनातन धर्म में बहुत लोग करते हैं, और हम उसके बारे में बात करेंगे। बट एक्चुअली अगर आप देखोगे तो क्रिश्चियनिटी फॉर एग्जाम्पल, नॉट जस्ट हमारा रिलीजन, बट क्रिश्चियंस, जीसस क्राइस्ट सेड, ओ फादर हु आर्ट इन हेवन, हैलोड हैलोड बी थाई नेम, उन्होंने कहा कि मतलब आपके नाम का वो हो, मतलब यू नो जय हो टाइप्स, तो मतलब बिकॉज ही वॉज वेरी, सो दिस इज वॉट जीसस सेड। ओके, एंड आपको पता हो तो क्रिश्चियंस भी हेल मेरी माले माला में रख के करते हैं, कोई बहुत नई चीज नहीं है, राइट। इस्लाम में 99 नेम्स ऑफ अल्लाह वो बोलते हैं, ठीक है, वो भी बीट्स में 99 नेम्स ऑफ अल्लाह लेते हैं, ठीक है। सिखिज्म में गुरु नानक ने बोला था कि मतलब यू नो जब अगर आपको मेडिटेशन करके आप बेसिकली, तो उन्होंने कुछ ऐसा बोला था, खोजत खोजत ततु बिचारियो दास गोविंद परायण, अभिनाशी खेम चाही जे नानक सदा सिमरी नारायण। तो उन्होंने बोला कि सदा सिमरी नारायण, उन्होंने बोला कि अगर अविनाशी खेम चाहिए, यानी कि अगर आपको अविनाशी का मतलब होता है कि अगर आप वापस से आपको वो सोल का वो चाहिए, जैसे आप सोल हो, अगर आपको वही फिर से स्टेट चाहिए, अपना लिबरेट होना है, मुक्त होना है, तो सदा सिमरी नारायण, दिस व्हाट गुरु नानक देव सेड। ठीक है, ये नारायण का नाम लो हमेशा, दिस इज व्हाट ही सेड। ठीक है, और बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट भी अपने बीड्स में बुद्ध का नाम लेते हैं, नमामि द बुद्धो बुद्धो बुत्सो, राइट, सो वो ऐसे नाम लेते हैं। सो हर कोई, हर रिलीजन में एक्चुअली इट्स अ प्रोमिनेंट थिंग, नथिंग वेरी न्यू। अगर इफ यू गो टू इंटरनेशनल फ्लाइट्स, यू विल सी पीपल डूइंग इट, मतलब मैंने देखा एयरपोर्ट पे कभी मुस्लिम्स बीट्स लेके चैंट कर रहे होते हैं, कभी क्रिश्चियंस कर रहे होते हैं, थिंग्स लाइक दैट, राइट। सो वेरी वेरी नॉट वेरी अनकॉमन थिंग, पीपल डू इट, राइट। और एनी क्वेश्चन सो फार ऑन व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? इनफैक्ट ओके, सो विल गो फर्दर एंड देन क्वेश्चंस व्हाटएवर यू हैव, राइट।
सो वट अबाउट सनातन धर्म, राइट? सनातन धर्म में भगवान के नाम लेना बहुत ही कॉमन प्रोसेस है, राइट? मंत्र बोलने का, जैसे आपने सुना होगा, और ये कोई आपको लगेगा कि मैं कोई अनोखी बात कर रहा हूँ, नहीं, मैं बिल्कुल भी अनोखी बात नहीं कर रहा हूँ। जब किसी की डेथ होती है ना, तो हम क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है, राइट? क्यों बोलते हैं ऐसा? किसी ने सोचा है कभी क्यों ऐसा होता है कि किसी एक आदमी को ले जाते हैं, पूरे गांव में घुमाते हैं और बोलते जाते हैं राम नाम सत्य है? क्यों ऐसा करते हैं? सोचना चाहिए इस बारे में, राइट? है ना? और पूरे इंडिया में हर जगह पे ऐसा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो पूरे जो गांव है ना, उनको सबको दिखाते हैं एज अ स्पेसिमेन, ठीक है? जैसे होता है ना कि दिखाते हैं कि देखो ये कितना बड़ा आदमी था, ये भी मर गया, राइट? तुम भी मर जाओगे, और जो सच है ना वो सिर्फ राम का नाम है। तो इसको देख के कुछ सीखो कि राम नाम सत्य है, ठीक है? इसलिए ऐसा करते थे। कभी किसी ने वो घर में पूजा किसी के हुई है, किसी ने वो बंधवाया धागा एक बांधते हैं ऐसे, एक जब भी पूजा वूजा होती है तो एक मंत्र बोलते हैं। मैं आपको बताता हूँ वो मंत्र, आपने शायद सुना हो, वो कुछ ऐसा है। ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि स यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सहबायाभ्यंतरा शुचि श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। ऐसा सुना है किसी ने? शायद किसी के घर में पूजा हुई होगी तो सुना होगा ऐसा, राइट? तो इसका क्या मतलब है? कभी सोचना चाहिए कि क्या है ये, क्या क्या है जो सबसे पहले बोला जाता है? पता है आपको, ये मंत्र नहीं है, ये एक इंस्ट्रक्शन है संस्कृत में। और वो इंस्ट्रक्शन क्या है पता है? वो बोलते हैं ओम अपवित्रो पवित्रो वा। अब ये अपवित्रो पवित्रो वा का मतलब है, चाहे तो आप अपवित्र हो या फिर आप पवित्र हो, कुछ भी हो, राइट? कैसी भी सिचुएशन में हो, सर्वावस्था गतोपि सर, किसी भी अवस्था में हो, कुछ भी हो, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष, जो भी पुंडरीकाक्ष का स्मरण करेगा, ठीक है? पुंडरीकाक्ष मतलब कौन? पुंडरीक का मतलब होता है लोटस, कमल, और अक्ष का मतलब होता है आईज, ठीक है? तो कमल जैसी आंखों वाले का स्मरण करेगा, कौन है वो? विष्णु कृष्णा, राइट? सो जो भी उनका स्मरण करेगा, नाम लेगा उनका, सह बायाभ्य अंतरा शुचि, वो बाहर से भी शुचि मतलब क्लीन हो जाएगा, वो बाहर से भी क्लीन हो जाएगा और अंदर से भी क्लीन हो जाएगा। दिस इज व्हाट दिस मंत्र मीन्स, ठीक है? इतना ही मतलब है इसका, और कुछ नहीं है, ठीक है? और इतना बोल के हम पूजा शुरू करते हैं, एंड वी बिलीव कि अरे हम जैसे ही श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु बोल रहे हैं, उस नाम से हम क्लीन हो गए, ठीक है? सो दिस व्हाट द इट मीन्स, ठीक है? सो हमारे दिस इज व्हाट इट इज, हमारे हार्ट में जो इतने सारे, हमारे जो मन के अंदर जो इतनी सारे इम्प्योरिटीज है ना, वो सारी क्लीन हो जाती है मंत्र से, विद मंत्र मेडिटेशन। कैसी कैसी इम्प्योरिटी? लस्ट, ग्रीड, एंगर, प्राइड, एनवी, इल्यूजन, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, राइट? हमको लगता है कि बहुत अच्छी क्वालिटीज हैं, बट ये अच्छी क्वालिटीज नहीं है। हम एक्चुअली परेशान रहते हैं अपनी सारी लाइफ, ओके? हम पास्ट और फ्यूचर में फंसे रहते हैं, ठीक है? और ये सारी चीजें क्लीन हो जाती हैं, बाहर से ही नहीं, अंदर से भी, ओके? सो दिस इज व्हाट इट मींस। सो वी विल टॉक अबाउट दैट मंत्र, आगे आगे सुनते हैं। सो बेसिकली स्क्रिप्चरल रेफरेंसेस, राइट? तो ये जो श्लोक है, ये श्लोक कली संतरण उपनिषद में आता है। अब कली संतरण का क्या मतलब है? कली मीन्स कलयुग, संत मीन्स जो संत होते हैं, और तरण मतलब उनको तारण, उनको लिबरेट करना, मतलब यू नो, तो जो कलयुग में जो संतों को लिबरेट करने वाला जो उपनिषद है, वो उसमें ये मंत्र आता है, ठीक है? वो बोलता है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, इति शोधन शोध षोडश नाम 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 कली कलमश नाशनम नतः परत परतरियो पयः सर्ववेदेषु दृश्यते। तो बोलते हैं कि सारे वेदों के बेसिकली जो खोज के भी ना, आपको जो सबसे इजीएस्ट मेथड है कलयुग में निकलने के लिए, वो ये है, वो ये मंत्र है। ये जो 16 वर्ड्स का मंत्र है, ये सारे वेदों में खोजने के बाद भी आपको ये मिलेगा बेस्ट वे, राइट? देयर आर डिफरेंट वेज, राइट? आप देखोगे सतयुग में भी लोग, ऐसा नहीं कि भगवान का नाम नहीं लेते थे। अगर कोई पढ़ेगा ध्रुव की, जो बालक ध्रुव होता है उसकी स्टोरी कोई पढ़ेगा, तो उसको पता चलेगा कि वो भी भगवान का नाम ले रहे थे। कौन सा मंत्र बोल रहे थे वो? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इज व्हाट ही वाज चैंटिंग, राइट? और उनको फटाफट भगवान के दर्शन हो गए थे। सो कलयुग में जो रिकमेंडेड मंत्र है, जो बहुत सारे उपनिषद में आता है, बहुत सारे पुराणों में आता है, वो ये है कि हरे कृष्ण आपने सुना होगा, राइट? सो बेसिकली इसको महामंत्र बोलते हैं, मतलब यू नो, तो इस युग के लिए द मोस्ट रिकमेंडेड वन। ये ब्रह्मांड पुराण में आता है। वो क्या बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं कि पब्लिक चैंटिंग, जो भगवान का जो नाम है हरे कृष्ण का, जो बाहर जाके जो उनका नाम लेता है, वो बेसिकली सारी स्पिरिचुअल रियलिटी, जो भी सब चीजें है ना, स्पिरिचुअल सच जो है,
क्या है वो सच कि हाँ हम सोल हैं, हमें भगवान के पास जाना है, कैसे पहुंच सकते हैं, इन सारी चीजों को वो रियलाइज कर सकता है, ब्रह्मांड पुराण ऐसा कहता है। ठीक है, ये हाँ, तो ये मैं बता रहा था आपको श्रीमद् भागवतम में, कि श्रीमद् भागवत में जब परीक्षित महाराज बात करते हैं ना, तो वो ये बोलते हैं, तो वो ये बात होती है, कलिर्दोष निधे राजन अस्ति हे को महद्गुणा कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। तो बोलते हैं कि कलयुग में बहुत सारी बुराइयां हैं, लेकिन एक बहुत अच्छी चीज है कि भगवान का नाम लेने से ना, सिर्फ उतने इजी प्रोसेस से आप लिबरेट हो सकते हो। आपको बहुत ज्यादा, क्योंकि आपके पास ना तो टाइम है, ना पेशेंस है, ना फिर आपकी कैपेबिलिटी है, तो बहुत इजी तरीके से, लेकिन फिर भी आप निकल सकते हो इसमें। ठीक है, नारायण संहिता बोलती है कि कलयुग में बेसिकली सिर्फ भगवान का नाम लेके लोग निकल सकते हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई एक शास्त्र ऐसा कहते हैं, बल्कि बहुत बहुत सारे शास्त्र ऐसा कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सारे, तो एनीवेज और भी शास्त्र हैं, मतलब कोई कमी नहीं है शास्त्रों की। तो ये जैसे तो बेसिकली ये आपने इसे सुना होगा ना, कि अगर मान लीजिए आपको, मान लीजिए कोई दूध वाला आता है आपके घर पे दूध देने के लिए, और आपको ना कल बोलना है कि कल दूध मत डालना, तो आप क्या करते हो? जैसे आप, वो आता है तो आप उसको बोलते हो देखो यार दूध मत डालना, फिर से आपको लगता है यार कहीं डालना दे दूध, फिर आपको दोबारा बोलते हो देखो दूध डालना नहीं है, और फिर जब वो जाने लगता है ना, तो फिर से आप जोर जोर से बोलते हो भाई दूध मत डालना कल, राइट? जब हमें किसी बात को बहुत बहुत स्ट्रेस करना होता है कि नहीं नहीं इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है, मतलब कल मत डालना दूध, तो हम बार बार बोलते हैं किसी बात को, राइट? शास्त्र संस्कृत ऐसी नॉलेज लैंग्वेज है ना, कि जिसमें बार बार कोई चीज को बोला नहीं जाता। तो ये, लेकिन ये अमेजिंग वर्स है शास्त्र में, ठीक है, जो कि बृहन्नारदीय पुराण में भी आता है, चैतन्य चरितामृत में भी आता है, और वो कुछ ऐसा है, हरेर्नाम हरेर्नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। वो बोलते हैं कि हरेर्नाम एव केवलम, बोलते हैं कि हरि का नाम, सिर्फ हरि का नाम, और सिर्फ हरि का नाम, एव केवलम, सिर्फ यही है और यही है। ओके, तीन बार बोलते हैं, और फिर क्या बोलते हैं, कलव नास्ति एव, मतलब यू नो कलयुग में कुछ और नहीं है, नास्ति एव गतिर अन्यथा, कलयुग में कोई भी और तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है, ऐसा शास्त्र बोलता है। ठीक है, सो अमेजिंग, राइट? मतलब इससे ज्यादा स्ट्रेस करना पॉसिबल नहीं है, सो एज मच स्ट्रेस एज शास्त्र कैन डू, दिस व्हाट दे डू। सो श्रीमद् भागवतम जो मैंने बताया था, उसमें एक अलग श्लोक आता है कि जो बेसिकली जो भक्ति योग है, जो कि चैंटिंग से शुरू होता है, भगवान के नाम लेने से शुरू होता है, वहां से शुरू होता है, श्रवणम कीर्तनम से, ठीक है, वो जो है वो अल्टीमेट रिलीजियस प्रिंसिपल है ह्यूमन सोसाइटी का। ठीक है, दिस इज द बेस्ट थिंग पॉसिबल, द बेस्ट योगा पॉसिबल, एज आई सेड, राइट? एनी क्वेश्चन सो फार? गुरुजी क्वेश्चन तो नहीं है, बट इसका मतलब जो अभी मुझे समझ में आया चैंटिंग से, हम लोग जो पूजा वगैरह करते हैं, जो थोड़ी बहुत जो चैंटिंग करते हैं, दैट मींस हम लोग ऑलरेडी भक्ति योग कर रहे हैं, करेक्ट? नहीं, हम लोग पूजा करना और भक्ति योग करने में बहुत अंतर है। ठीक है, देखिए ये ना डिफरेंस क्या है, हमने बात नहीं की, बट बेसिकली भक्ति योग चाहे किसी भी और योग की तरह, भक्ति योग भी जो है ना वो एक रूल्स एंड रेगुलेशन से शुरू होता है। हम अभी क्या करते हैं, हम अपने मन मर्जी का कुछ कुछ करते हैं, कभी तीन बार अगरबत्ती घुमा दी, कभी चार बार अगरबत्ती घुमा दी, किसी दिन नारियल का भोग लगा दिया, किसी दिन मिठाई आई तो मिठाई का लगा दिया, मिठाई किसी शॉप से आई थी हमने सोचा भी नहीं, वो शॉप वाले ने हाथ भी धोए थे या नहीं, हमने भोग लगा दिया, राइट? और हमें लगता है कि दैट इज गुड इनफ, नहीं इट मे नॉट बी गुड इनफ, राइट? भक्ति जो है वो एक्चुअली अंडर इंस्ट्रक्शंस की जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं वैदेही भक्ति, विधि के साथ की जाने वाली भक्ति। और भक्ति के और भी लेवल होते हैं, बट ये वैदेही भक्ति में हमें प्रॉपर इंस्ट्रक्शन में, प्रॉपर किसी सीनियर से, किसी के गाइडेंस से धीरे धीरे फॉलो करके आगे बढ़ना पड़ता है, विथ नॉलेज, विथ अंडरस्टैंडिंग कि ये क्या हो रहा है, जो सामने जो है वो कौन है। हम लोग क्या सोचते हैं, वो फोटो है लगी हुई है इधर उधर की, कोई मूर्ति खरीद लाए थे हम वहां से, अब कुछ कुछ रख दिया, जो किया वो गुड इनफ है, राइट? ऐसा नहीं है, इट्स नॉट गुड इनफ। उसके लिए अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि भगवान कौन, हम कौन, अर्थ विग्रह क्या होता है, उसको अर्थ विग्रह बोलते हैं। जैसे भगवान के और अवतार होते हैं ना कई तरह के, जैसे युगा अवतार, गुणा अवतार, लीला अवतार, ऐसे उसी तरह अर्चा अवतार होता है। और अर्चा अवतार जो है ना वो एक अवतार होता है, हमारे जो हम जो अपना लव एक्सप्रेस कर सकें उसको एक्सेप्ट करने के लिए। सो उतना अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, तो इसलिए वो लेवल हाई है। इसीलिए जो मैंने बोला ना कि द्वापर में डीटी वर्शिप, जो अर्चा विग्रह की सेवा थी, वो बड़ा पॉसिबल था। हम लोग भी कर सकते हैं, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले उसके लिए पहले अपवित्रो पवित्रो हुआ, पहले प्योरीफाई होना होगा,
उस लेवल के ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, मैंने बताया था ना कि जो अर्च विग्रह की सेवा है, शास्त्र बताते हैं दो दो मेन नियम है उसके। पहला है जिसको बोलते हैं क्लीनलीनेस, और एक को बोलते हैं पंचुअलिटी। ठीक है, ये दोनों तभी पॉसिबल है जब माइंड कंट्रोल में हो। और उन सारी प्रोसेस के लिए इजिएस्ट थिंग कि मतलब अब हम कोई भी मंत्र बोलें, वो भी एक बात है। पहले तो ये कि मंत्र बोलना चाहिए, पहली बात ये समझनी चाहिए। अब कौन सा बोलना चाहिए वो भी समझने वाली बात है, राइट? क्योंकि हमने लास्ट टाइम एक बात की थी, पद्म पुराण में एक श्लोक आता है, वो क्या है? संप्रदाय विहीनाय मंत्रस्ते निष्फला मता अतः कलो भविष्यन्ति चत्वारंश संप्रदायिना। यानी कि बिना संप्रदाय के, बिना किसी संप्रदाय से मिले हुए मंत्र की कोई वैल्यू नहीं होती। रेंडम किताब किताब में पढ़ लिया और कुछ कुछ बोलने लग गए ना, उसकी वैल्यू कुछ नहीं होने वाली, क्योंकि आपको कोई गाइडेंस चाहिए होता है, तभी आपको आप प्रोग्रेस कर सकते हो। तो जिस मंत्र की मैं बात कर रहा हूँ वो एक्चुअली प्रॉपर संप्रदाय में प्रॉपर स्क्रिप्चरल चीज की बात कर रहा हूँ, ओके? और जहाँ पे कैसे वो मंत्र बोलना है, क्या सही तरीका है, क्या नहीं है, वो भी हम बात कर सकते हैं, राइट? और ऐसे मंत्र को जब अंडर गाइडेंस हम करते हैं ना, तो फिर हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। रैंडमली इट मे नॉट वर्क, राइट? हमने काफी पूजा पूजा बचपन से की है, लेकिन हर चीज भक्ति नहीं होती। भक्ति का मतलब लव होता है, और लव होने के लिए ना पहले समझना पड़ेगा कि सामने वाला कौन है और मैं कौन हूँ, राइट? मतलब ऐसे ही लव थोड़ी हो सकता है। आपको पता ही नहीं कौन भगवान है, कौन परमात्मा है, तो आप किससे लव करने लगे हो, राइट? भक्ति इज लाइक लव, वो बड़ा हाई लेवल है। उसके लिए ना पहले माइंड को कंट्रोल और खुद को प्यूरिफाई करना पड़ेगा, फिर समझ में आएगा कि मैं कौन हूँ। अभी तो दिखता ही नहीं है कुछ, मैं कौन हूँ ये भी नहीं पता। हमें लगता है मैं ये इंसान हूँ जो एंजॉय कर रहा है, लेकिन ये सच नहीं है। एनीवेज बहुत सारी बातें हैं, मतलब जी भक्ति, ये भक्ति ऐसा करने के लिए संप्रदाय रूट फॉलो करना ही एक ही ऑप्शन है। हाँ बिल्कुल, बिना प्रॉपर संप्रदाय को फॉलो किए ना, प्रॉब्लम ये है कि हमें पता ही नहीं कि सही क्या और गलत, राइट? कुछ कुछ करेंगे। अभी हम लोग देखिए पिछले 4-5 हफ्ते में हमने जो बातें की, राइट? आपको ये किसी किताब में पढ़ने से नहीं समझ में आएगा। अगर आप कोई किताब भी उठा लोगे ना, भगवत गीता, जो मैं श्लोक बता रहा हूँ वो आपको उसका एग्जैक्ट मीनिंग कोई नहीं बताने वाले को मिलेगा। ये सिर्फ गुरु शिष्य परंपरा से धीरे धीरे गुरु से शिष्य को और फिर शिष्य से गुरु को जाता एक लेवल पे जाता जाता है, राइट? तभी ये प्रॉपर नॉलेज, हमने बात की थी, राइट, कि चार चार संप्रदाय है, राइट? श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, तो वो संप्रदाय में प्रॉपरली आ रहा है। जैसे जिस संप्रदाय को मैं बिलोंग करता हूँ वो कनेक्टेड टू ब्रह्म संप्रदाय है, राइट? और वहां से गुरु शिष्य परंपरा से होते हुए नॉलेज आ रहा है ग्रेजुअली, और उसमें आपको पता होता है कि क्या है, क्यों करना है, क्यों नहीं करना है, राइट? अभी आपने वो अपवित्रो पवित्रो वा सुन के पूजा तो बहुत की होगी बचपन से, राइट? लेकिन किसी ने बताया नहीं कि ये क्या चीज है, ये मंत्र है ही नहीं, ये इंस्ट्रक्शन है, इसको ये जब कान में जाए तो समझना चाहिए कि किस बारे में बात हो रही है, राइट? बट बेसिक बेसिक चीजें, मतलब जैसे मैंने बोला राम नाम सत्य है, क्यों है सत्य, है ना, पता होना चाहिए। तो क्या क्या अमेजिंग पार्ट क्या है ये हरि नाम में, ओके, भगवान के नाम में, ये हरे कृष्ण महामंत्र में स्पेशल क्या है? इसमें स्पेशल ये है कि बेसिकली ये भगवान का नाम है डायरेक्टली। जैसे हम और कोई वर्ड, और कोई मंत्र सुनते हैं ना, तो उसमें बहुत कुछ और भी होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय फॉर एग्जांपल, ओम भी है, नमो भी है, नमः है ना, ऐसी चीजें भी है, लेकिन इसमें ना कुछ और है ही नहीं। इसमें हरे का मतलब होता है राधा, ओके, और कृष्ण कृष्ण होता है, राइट? इसमें सिर्फ भगवान के नाम है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें कुछ भी नहीं है, ओनली रॉ गोल्ड है बेसिकली। जैसे बोलते हैं ना राम नाम सत्य है, वैसे ही ये। तो ये राम नाम सत्य क्यों होता है? राम नाम सत्य इसलिए होता है क्योंकि अगर आप थोड़ा थ्योरेटिकली समझोगे ना, साइंटिफिकली, तो भगवान का जो नाम है, अब भगवान इटर्नल है, हम बोलते हैं ना कि भगवान शुरू से सबसे पहले आदि, राइट? सबसे पहले भगवान है ना, उसके पहले कोई था ही नहीं। तो अगर भगवान सबसे पहले थे तो भगवान का नाम था क्या ना कि नहीं था? नाम भी होगा, राइट? तो मतलब नाम भी भगवान है, कि अगर नाम भगवान से पहले होता तो भगवान वो हो जाता, राइट? और भगवान बिना नाम के तो नहीं होंगे, इसलिए नाम और भगवान सेम हो गया। इसी तरह भगवान की जो धोती है, क्या वो भगवान से पहले थी या बाद में थी? इट हैज टू बी देयर, राइट? सिमिलरली, और भगवान का जो लीला है वो भी भगवान से पहले थी या बाद में थी? सब कुछ भगवान के साथ साथ है, राइट? तो वो भी भगवान है। तो भगवान का नाम और भगवान, और भगवान की लीला, शास्त्र कहते हैं कि कोई डिफरेंस नहीं है इनमें, दे आर द सेम एंड वन। अगर आप कहीं भी पढ़ोगे, मैं कोई अनोखी बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप तुलसी रामायण भी उठा के पढ़ोगे, कोई भी शास्त्र पढ़ोगे, तुलसी रामायण में भी शुरू के 2-4 चैप्टर पढ़ लोगे तो आपको समझ में आएगा कि यस, भगवान का नाम जो है वो ना एज गुड एज गॉड, नो डिफरेंस। जैसे अगर मैं कोका कोला बोल रहा हूँ ना, अगर माला लेके या बिना माला के, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उससे मेरी प्यास नहीं बुझती, क्योंकि वो ना मटेरियल चीज है, ठीक है? लेकिन जब मैं अगर भगवान बोलता हूँ ना, भगवान का नाम ले रहा हूँ, हरे कृष्ण, तो एक्चुअली मैं डायरेक्टली गॉड से डील कर रहा हूँ। हमने कल लास्ट टाइम एक 6 चीजों के बारे में बात की थी, संतोष जी आप नहीं आए थे,
वो ये की थी कि ए बी सी डी ई, उसको बोलते हैं एसोसिएशन। क्या छह चीजें हमें करनी चाहिए? पहली चीज है एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब लोगों का संघ, अच्छे लोगों का संघ, जैसे हम अभी कर रहे हैं, राइट। बी मतलब बुक्स, यानी हमें शास्त्र पढ़ने चाहिए। सी मतलब चैंटिंग, राइट, भगवान के नाम लेने चाहिए। डी मतलब डायट, यानी प्रसाद खाना चाहिए। और ई मतलब इंगेजमेंट, यानी कुछ अच्छी सर्विस करनी चाहिए। ये पांच चीजें हैं, ये हमें एलिवेट करने के लिए इनफ है, ठीक है। तो उसमें से जो ए है एसोसिएशन, यानी भक्तों का संग करना चाहिए। और जब आप भगवान का नाम लेते हो ना, तो आप डायरेक्टली भगवान का संग कर रहे होते हो। और जब हम जिनका संग करते हैं ना, हमारे पास उनकी क्वालिटीज आने लगती है, राइट। तो अभी आप भगवान का जब डायरेक्टली संग करते हो, तो आपको जो एक्चुअली जो अच्छी क्वालिटीज है ना, वो सारी अच्छी क्वालिटीज अपने आप आने लगती है। आई डोंट नो अगर किसी ने कहानी सुनी है या नहीं सुनी है, इस्कॉन के बारे में कुछ पता है किसी को? क्या करते, कौन थे वो? स्वामी प्रभुपाद, कुछ सुना है किसी ने? कुछ स्टोरी पता है उनकी, कौन थे? इस्कॉन तो सुना होगा, राइट। उनके फाउंडर के बारे में भी सुना होगा, नाम सुना होगा शायद, प्रभुपाद, नहीं सुना। उनके जो फाउंडर श्रील प्रभुपाद, बेसिकली क्या हुआ था कि 70 साल उनके उनके जो गुरु थे, और वो मैंने बताया ना कि ब्रह्म संप्रदाय का पार्ट है, उनके गुरु ने बोला उनको कि भाई आप पढ़े लिखे हो, इंग्लिश भी आती है आपको, तो आप एक काम करो, आप ना वेस्ट में जाओ, अमेरिका में जाके इंग्लिश लैंग्वेज में लोगों को सिखाओ, श्रीमद् भागवत और सब चीजें, क्योंकि आपको इंग्लिश आती है, पढ़े लिखे आदमी हो। तो उन्होंने सोचा ठीक है, ओके, गुरु ने बोला है, पूरी लाइफ बैठ के श्रीमद् भागवत वगैरह इंग्लिश में ट्रांसलेट की उन्होंने। और फिर जब 70 साल के थे, 70 ईयर्स में, तब वो संन्यास लेके गए अमेरिका, ठीक है। अब वहां पर गए तो वहां पे पैसे नहीं, कुछ नहीं, जेब में 70 रुपीज थे रियली उनके, ठीक है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी यूएस जाने के बाद। तो वहां पर जाके क्या करना चाहिए, कोई रहने को नहीं, कुछ नहीं, तो उनको मिले हिप्पी वगैरह, जो हिप्पीज होते हैं ना, उस समय वेस्ट में हिप्पीज थे बहुत सारे, जो ड्रग्स लेते थे, ये सब करते थे उल्टे सीधे काम। तो उनको उन्होंने बताना शुरू किया भगवद गीता भी। इनकी इंग्लिश इतनी वैसी नहीं थी, हिंदुस्तानी थे, तो इंग्लिश ऐसी भी नहीं थी कि उनको समझ में आए। उनको उन्होंने बोला कि ये भगवान का नाम है, भगवान का नाम लो, और ऐसे उन्होंने लेना शुरू किया, ठीक है। और कुछ सालों के बाद वो हिप्पीज जो है ना, उन्होंने सारा ड्रग्स लेना छोड़ दिया, ठीक है, मेजरली सब सन्यासी हो गए। आज भी वो लोग जिंदा है, मतलब अगर आप उनमें से किसी को सुनोगे ना, तो वो श्रीमद् भागवत इंडिया के लोगों से ज्यादा अच्छी बता सकते हैं आपको, ठीक है। और वो लोग मतलब काफी एलिवेट हो गए, और जस्ट बाय दिस प्रोसेस, सिर्फ इस भगवान के नाम से। द पॉइंट इज दैट कि जस्ट इतने सिंपल काम से, मतलब सिर्फ भगवान के नाम से आपका माइंड पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होना पॉसिबल है। हम लोगों को, जो बच्चों को भी जो होता है पढ़ाई के समय जो सारा डिस्ट्रैक्शन होता है, वो सारी चीजें सही करने के लिए दिस इज द वंडरफुल मेडिसिन, राइट, फॉर ऑल एजेस। आई मीन, हम लोगों को देखिए, जो जो स्ट्रेस होता है ना, दैट इज नॉट इंटरनल, दैट इज नॉट एक्सटर्नल, दैट इज अ इंटरनल थिंग, ओके। स्ट्रेस एक इंटरनल चीज होती है, क्योंकि क्या होता है ना, हमारे आसपास जो सिचुएशन है वो तो होगी, बट उस सिचुएशन पे हम कैसे बिहेव करते हैं ना, दैट डिफाइंस अस, राइट। मतलब इन द सेंस कि काफी लोग सुनोगे आप आईआईटी में, इधर उधर लोग सुसाइड कर लेते हैं, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू हैंडल स्ट्रेस, है ना। हम भी अपने इतने सॉफ्टवेयर कंपनीज में है, कोई किसी कंपनी में है, जाते हैं, इतना स्ट्रेसफुल रहती है लाइफ, बट हमें अगर हम उस स्ट्रेस को कंट्रोल करना है ना, तो इस प्रोसेस से कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है, ताकि आपका अंदर से स्ट्रेस हो। मैं बताऊंगा, इसके ऊपर रिसर्च हुई है, इसके ऊपर पीएचडी हुई है इस बात पे, राइट। एनीवेज, बिफोर दैट लेट मी शो कि ये करते कैसे हैं, महामंत्र बोलते कैसे हैं। जस्ट एक सिंपल सा मैं बताया था, मैं आई नो बिकॉज वी आर वर्चुअल, इट्स डिफिकल्ट, बट ऐसी माला चैंटिंग को लेके एक क्वेश्चन था, तो आपने क्लीनिंगनेस का बताया, तो वो इंटरनल क्लीनिंगनेस या फिर एक्सटर्नल, की जो हम क्लोथ्स पहने रहते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट पे भी आप बोल रहे हैं, जैसे देखा है बाहर, मैंने चैंटिंग के लिए क्लीनिंगनेस कभी नहीं बोला। चैंटिंग जो है वो आपको क्लीन कर देता है, ओके। जो चैंटिंग है ना, इसके साथ कमाल की बात है, इसीलिए तो बोला है कि चाहे आप खराब, अपवित्र हो या पवित्र हो, कैसी भी हालत में हो, भगवान का नाम लो और क्लीन हो जाओ, ऐसा बोला है, ठीक है। तो बिना नहाए कैसे भी हालत में आप कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आपके पास माला नहीं भी है ना, तो आप फिंगर से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माला है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आइडियल, सॉरी, माला का भी वैल्यू बोला है कि हम तुलसी के माला से करेंगे तो इतने परसेंट एलिवेट होता है, और तो ऐसा भी कुछ है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब ये जो है ना, ये रॉ गोल्ड है, जैसे एकदम एकदम रॉ चीज होती है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। शास्त्र, एक शास्त्र में एक श्लोक आता है, वो क्या बोलता है कि दो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं पूरे के पूरे स्पिरिचुअलिटी में, और वो क्या बोलता है, स्मर्तव्यम सतत विष्णु, विस्मर्तव्यम न जातु चित, सर्वे विधि निषेधा
एतायोर एव किंकर, तो क्या बोलते हैं कि सर्वे विधि निषेधाश्चयोर, जितने भी तरह के विधि और निषेध है यानी डूस एंड डोंट्स है, एतायोर एव किंकर, वो इस दो प्रिंसिपल हैं उनके किंकर हैं, उनके नौकर हैं, ठीक है, किंकर मींस सर्वेंट्स है सारे के सारे। वो कौन से दो प्रिंसिपल हैं जिनके सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस नौकर हैं? तो बोलते हैं स्मर्तव्यम सतत विष्णु, यानी विष्णु को हमेशा याद रखो, ऑलवेज रिमेंबर विष्णु, ठीक है। विस्मर्तव्यम न जातुचित, यानी कभी भी मत भूलो, ये दो रूल्स हैं, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा, ये तो दो रूल्स है ना, सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन इनके नौकर हैं। इट डजंट मैटर, द अमेजिंग पार्ट इज दैट इट डजंट मैटर, सो एनीवेयर यू आर, लाइक यू नो यू आर सिटिंग इन अ एयरपोर्ट, यू आर वेटिंग ऑन अ बस स्टॉप, और बस में बैठे हुए हो, आप कभी भी कर सकते हो। दैट इज द अमेजिंग, क्योंकि कलयुग में ऑफकोर्स क्लीनलीनेस और ये सारी चीजें ईजी नहीं है। इफ यू आस्क मी आइडियल टाइम क्या है, तो आइडियल टाइम यस मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग बैठ के थोड़ा एक दिया जला के भगवान के सामने बैठ के करना चाहिए, राइट, बट इट्स ओके अगर आप नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं, एनीवेयर इज ओके, राइट। आप फिंगर से कर सकते हो, फिंगर में देखो आपको 108, आपको पता हो 108 टाइम्स करना इज लाइक वन माला, ठीक है, तो 108 आप कैसे कर सकते हो, आपके एक उसमें 12 वो है, 12 है, राइट, तो ऐसे 12 करो और फिर यहाँ पे 9 टाइम्स कर लो, तो 12 9 से 108 हो जाएगा, राइट। और कैसे करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से आप 108 टाइम्स कर सकते हो, राइट। अगर आपके पास माला है तो माला, आई नो वर्चुअल वर्ल्ड में थोड़ा प्रॉब्लम होता है बिकॉज माला दिखाना मुश्किल होता है, बट ये मेरे पास एक माला है तुलसी की, आपके पास नीम की भी हो सकती है और भी किसी चीज की हो सकती है, बट हमें सिर्फ इतना करना है कि ये बीड है, इसके पास हमने फिंगर रखी है अपनी, ऐसे ये वाले फिंगर से नहीं टच करना है, मेन फिंगर से, और ऐसे ही फिर शुरू किया मैंने, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, फिर अगले बीट पे मैंने हाथ लगाया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे करके मैं 108 बार कर सकता हूँ, राइट। सो इट्स इजी, वेरी इजी टू डू, बट आपको ना कमाल की बात यह है कि इट इज लाइक, जैसे होता है एक शास्त्र में एक श्लोक आता है, जैसे कि एक पैसे वाला होता है ना जो सेठ वेठ होता है, अपने पैसे गिनता रहता है, वैसे ही ऐसे गिन गिन के, एंड दिस इज गोइंग इन द इटरनल बैंक अकाउंट, राइट, एज आई सेड कि इस लाइफ में नहीं तो नेक्स्ट लाइफ में भी काम आएगा, यू विल प्रोग्रेस फ्रॉम देयर ग्रेजुअली, एंड दैट इज द फन पार्ट ऑफ इट। सो एनीवेज, सो फार सो गुड, राइट, लेट मी प्रोग्रेस, सो लेट मी टॉक अबाउट सम साइंटिफिक रिसर्च अराउंड दिस। सो काफी सारी इसके ऊपर रिसर्च हुई है, इनफैक्ट एक रिसर्च हुई थी जिसमें किसी ने PhD की थी, ओके, ऑन दिस हरे कृष्ण महामंत्र। सो क्या है कि बेसिकली उन्होंने क्या किया, डेविड वुल्फ, देयर इज अ पर्सन कॉल्ड डेविड वुल्फ, एंड व्हाट ही डिड इज थीसिस ऑन दिस, कि स्ट्रेस डिप्रेशन और जो तीन गुण होते हैं, जो जिसको बोलते हैं कि हम सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, इनका इनपे इस महामंत्र का, हरे कृष्ण महामंत्र का क्या इफेक्ट होता है। तो उन्होंने क्या किया, 1000 करके 3000 स्टूडेंट्स लिए, और 1000 स्टूडेंट्स को तो उन्होंने बोला कि हरे कृष्ण महामंत्र सिखाया और बोला कि रोज करो, बाकी 1000 स्टूडेंट्स को उन्होंने बोला कुछ तो एक नकली सा मंत्र बता दिया, कुछ तो ऐसे उल्टा सीधा मंत्र सिखा दिया उनको, बोला जैसे कि सर्वदास सर्वदास सर्व प्रभु 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 सर्व सर्व, ऐसे कुछ तो एक रैंडम मंत्र सिखा दिया, और एक तीसरे ग्रुप को उसने कंट्रोल ग्रुप ऐसे नॉर्मली छोड़ दिया, कुछ नहीं किया, राइट। और फिर उसने उसके ऊपर रिसर्च किया, ठीक है, कि इनके ऊपर क्या इफेक्ट होता है स्ट्रेस का, डिप्रेशन का, व्हाट इज द इफेक्ट, एंड दिस इज व्हाट ही रियलाइज्ड। सो दिस पर्सन कॉल्ड डेविड वुल्फ, राइट, सो उसने स्पिरिचुअल डिसिप्लिन्स रेकमेंड मेडिटेशनल प्रैक्टिस, कैन यू हियर द वॉइस, प्रैक्टिसेस सच एज साइलेंट मेडिटेशन, साइलेंट रेसिटेशन ऑफ मंत्रस, and also the verbal repetition of specific mantras out loud. A clinical test of the benefits of mantra chanting was performed on 3 groups of 62 subjects, males and females of average age 25. They chanted the Hare Krishna Maha Mantra 25 minutes each day under strict clinical supervision. Results showed that regular chanting of the Hare Krishna Maha Mantra reduces stress and depression and helps reduce bad habits and addictions. These results formed a PhD thesis at Florida State University.
Okay, so basically this is what was done, and what they figured out is this. So stress, depression or different आपका मोड ऑफ नेचर क्या होता है कि जैसे आप जब सत्व गुण में होते हो तो जैसे कि आप यू आर पीसफुली अलर्ट, ओके, आप अलर्ट होते हो और आपको पता होता है कि सही क्या गलत क्या. अब तमोगुण का मतलब होता है कि यू विल बी स्लीपी, ड्राउजी, ड्रग्स लेने का मन करेगा, सोने का मन करेगा, थिंग्स लाइक दैट. ओके, उसी तरह रजोगुण में आप बहुत ही पैशन में रहते हो, अरे यस कर दिखाना है, कर दिखाना है, लेकिन आपको फिर बहुत स्ट्रेस और डिप्रेशन बहुत कुछ होता है, राइट. तो ये डिफरेंट गुणों का प्रैक्टिकल इफेक्ट है. तो उन्होंने जब ऐसा किया रिसर्च तो उनको ये कुछ मिला कि मतलब जो जो कि महामंत्र ग्रुप है जो कि आप येलो ग्रीन में देख रहे हैं उसमें सो बेसिकली देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एक्टिव जोन जो कि 8 टू 13 इज ऑन द लेफ्ट साइड. व्हाट यू सी इज लाइक द जोन वेयर पीपल गेट इनटू व्हिच इज मोर लाइक अ गुड जोन टू बी इन इज मोर लाइक 8 to 13 व्हिच इज लाइक द जोन ऑफ सत्व. ठीक है, जहां पर अगर आप हो तो आपका माइंड पीसफुली अलर्ट होता है, यानी यू आर पीसफुल. एट द सेम टाइम पीसफुल का मतलब ये नहीं कि आप पड़े हुए हो, बट रादर आप बहुत ही समझ रहे हो सब चीजों को. सही सही. तो व्हाट दे ऑब्जर्व इज कि जो कोई और मंत्र उल्टे सीधे मंत्र जो पढ़ रहे थे उनका उल्टा स्ट्रेस बढ़ गया, और जो महामंत्र कर रहे थे उनका उनका स्ट्रेस लेवल कम हुआ और उनका जोन जो था वो बहुत ही एक्टिव जोन में थे. दिस हैज बीन अगर पेपर का थीसिस है, बहुत मोटा सा आ गया था, अगर किसी को चाहिए तो आई कैन शेयर दैट. बट बेसिकली द बॉटम लाइन इज कि पीपल हु चैंटेड दिस मंत्र गॉट बेनिफिटेड. And this can be observed. As I said, I myself actually have been chanting this for like last more than 10-15 years. But and what I have observed is that ki matlab, you know, I am able to, at least the stress level has reduced, and I am able to really understand ye jo shastra hai na. Last time somebody was saying, hey, what is your motivation? Ye sab itna knowledge kaise aata hai? Right. So this thing itself is a motivation. मतलब अगर आप रोज ये करते हो ना तो आपका माइंड एक पीसफुल स्टेट में होता है जहां पे आप नॉलेज एक्सेप्ट कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो, मल्टीपल चीजों को एक साथ हैंडल कर सकते हो और उसके बाद भी फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते हो. ओके, ऑल दैट इज पॉसिबल रियली. आई मीन आई कैन टेल यू, मतलब आई आल्सो आई एम नॉट अ साधु बाबा, राइट. आई वर्क इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी. ओके, सो जस्ट टू बी पीसफुल काम, ये बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है. दैट मच आई कैन टेल यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, राइट. सो इज इट मैंडेट टू स्पीक दिस आउट और हां. Yes, so the process it's a meditation. Okay, like a meditation, any other meditation, this is a meditation. So basically क्या होता है, जैसे meditation एक त्राटक आपको सुना, एक त्राटक एक meditation होता है जिसमें क्या करते हैं, light सामने रख के और light के ऊपर focus करते हैं. I don't know if you have seen people doing it, like you know, एक light पे focus करते हैं. उसी तरह से ये जो meditation है ना, ये sound meditation है. तो क्या करना चाहिए, हमें बोलना चाहिए और हमारा फोकस क्या होना चाहिए, हमारा फोकस इस आवाज को सुनने का होना चाहिए. माइंड को डेविएट नहीं करना है, सिर्फ पीसफुली पूरा का पूरा मंत्र सुनने की कोशिश करनी है. दिस इज दैट मेडिटेशन. एंड विद द स्पीड, एज आई सेड, उस स्पीड में चैंट करने की जरूरत है. जैसे मैंने बोला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो बहुत ज्यादा लाउड भी नहीं होना है, लेकिन इतना लाउड होना है कि आज पास में बैठे हुए आदमी को सुनाई दे. Right. इतना लाउड होना चाहिए और हमारा फोकस सिर्फ इस मंत्र पर होना चाहिए. एंड नो अदर थॉट्स एज मच एज पॉसिबल. एंड इट इज यूजफुल. मतलब आपको लगेगा आप अगर सही टाइम पे सही तरीके से करते हो, आपको खुद पीसफुल फील होगा. दैट आई कैन गारंटी. और हम आगे भी बात कर सकते हैं इसके बारे में, हाउ टू इम्प्रूव, हाउ टू बिकम बेटर. बट इट्स अ वेरी पीसफुल वे, आई कैन टेल दैट मच फॉर श्योर. या सो बेनिफिट्स, एज आई सेड, द फर्स्ट वन इज दिस थिंग which is active zone, right? एक होता है hyperactive zone, right? ADHD और इस तरह से होता है जिसमें आप बहुत ज्यादा एक्टिव होते हो, बहुत उछल कूद रहे होते हो, right? एक होता है मंत्र मेडिटेशन का अल्फा जोन. अल्फा जोन क्या होता है, जहाँ पे आप रिलैक्स्ड हो और अलर्ट हो, यानी कि आप आपके सामने प्रॉब्लम्स भी हैं लेकिन फिर भी यू नो कैसे सॉल्व करना है, लेकिन आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो, आप परेशान नहीं हो, राइट. और उसके नीचे वाला जो जोन होता है, ड्राउजी नॉइज जोन, स्लीपी जोन, जहाँ पर लोग तमोगुण में बेसिकली चले जाते हैं, राइट. लोगों को स्लीपी फील होता है और थके हुए रहते हैं, थिंग्स लाइक दैट. सो दैट इज अ गुड स्टेट टू बी इन, जहां पर आप एक्टिव रह सकते हो. दूसरा, बर्न अवे बैड हैबिट्स. एज आई सेड, राइट, आई गेव एग्जांपल, राइट, कि दिस इज द एग्जांपल. दे लोग जो हिप्पीज जो थे वेस्ट के, दे गॉट ट्रांसफॉर्म्ड. आई मीन अ लॉट ऑफ देम आर स्टिल अलाइव. आई मीन आप उनकी स्टोरीज पढ़ सकते हो, क्या क्या नहीं करते थे वो हिप्पीज, जो भी हम बुरा सोच सकते हैं ना, वो सारा कुछ करते थे. और दे गॉट टोटली ट्रांसफॉर्म्ड, मतलब द मैजिक हैपेंड, राइट.
उनको कुछ भी नहीं पता था, जिनको ये सब भगवत गीता कृष्णा ये सब कोई वर्ड ही नहीं सुना था लाइफ में, ओके कभी भी नहीं पता था, और वो लोग ट्रांसफॉर्म हो गए. और तो दैट इज द अमेजिंग पार्ट ऑफ इट, कि मतलब यू नो जस्ट बैड हैबिट्स तो इजिली बर्न अवे हो सकती है. मतलब जो लोग, मैं पर्सनली लोगों को जानता हूँ जिनको मैंने पर्सनली गाइड किया हुआ है और देखा है अपनी आंख से, लोग बहुत सारी चीजें जिनके घर में हॉल में बार था उनके घर में आज हॉल में मंदिर है बेसिकली, ओके थिंग्स लाइक दैट. आई मीन यू वेरी इजी टू गेट आउट बेसिकली फ्रॉम बैड हैबिट्स, वेरी इजी वन, फ्रीडम फ्रॉम सिंपल रिएक्शन. दिस वन इज इंटरेस्टिंग. सो हमने कर्म के बारे में बात की थी राइट, कि कर्म कुछ चीज होती है. अभी कर्म से कैसे बचा जाए, क्योंकि आप जो भी करते हो ना वो कर्म आपको फंसा देगा राइट. मतलब इन द सेंस कि ओके मैंने कुछ तो किया और वो कुछ अच्छा होगा या बुरा होगा राइट, और उसके कारण मुझे नेक्स्ट बर्थ मिलेगी, और फिर मैं वहां पे भी कुछ कुछ करूंगा और फिर मुझे फंस जाऊंगा, फिर नेक्स्ट बर्थ मिलेगी. तो निकलने का कोई तरीका ही नहीं है राइट. कर्म जो पुराने कर्म होते हैं ना वो क्या होता है, उनके ना तीन चार टाइप होते हैं. एक तो होता है कि प्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध उसका रिजल्ट मिलता है, यानी जो आपने किया उसका इमीडिएट रिजल्ट मिलता है. और उसके अलावा एक तरह का रिजल्ट होता है जिसको बोलते हैं अप्रारब्ध, जो कि आपको इकट्ठा हो जाता है आपके अंदर. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने शराब पिया, ओके लिकर पिया, तो क्या होगा कि एक तो आपको सुबह हेडेक होगा, वॉमिट होगी, वट एवर होगा राइट, दैट इज द रिजल्ट, इमीडिएट रिजल्ट. और उसके अलावा एक सिंफुल टेंडेंसी जिसको बीज बोलते हैं, ठीक है, वो आपके अंदर इकट्ठा होके रह जाती है. वॉट डज इट मीन, कि आपको भले वो अच्छा नहीं लगा था ये सब, आपको वॉमिट हुआ तो आपको नहीं अच्छा लगा, लेकिन जब आपको बाद में हफ्ते एक हफ्ते के बाद आपके फ्रेंड्स मिलेंगे, बोलेंगे चलो चलो चलते हैं पीने के लिए, तो फिर से आप तैयार होकर चले जाते हो राइट. ऐसा आप क्यों करते हो, क्योंकि वो जो बीज था ना वो फ्रक्टिफाई हो जाता है, तो वो बीज इकट्ठा होकर रह जाता है. तो एक सिन का वो भी एक प्रॉब्लम होता है, कि मतलब आपने पहले जो सिन किए थे उसका सब रिजल्ट बीज वगैरह इकट्ठा होकर रहता है, और बहुत सारी और भी चीजें इकट्ठी होती हैं. बहुत लंबा चौड़ा है, कभी 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 लॉ ऑफ कर्मा डिटेल में बात करेंगे तो बताएंगे. बट विष्णु पुराण बोलता है, वो कहता है कि अप्रारब्धम फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमीणैव प्रलीयिता विष्णु भक्ति रतात्मकम. बोलते हैं कि सिर्फ इस प्रोसेस से, ओके विष्णु भक्ति से, विष्णु के नाम लेने से, कृष्णा के नाम लेने से, सिर्फ ये जितने भी तरह के बीज वगैरह होते हैं ना, ये सारे के सारे खत्म हो जाते हैं. तो आपकी जो पुरानी सिंफुल टेंडेंसी, क्यों जो हमने पिछली स्लाइड में देखा कि क्यों इन लोगों की आदत छूट गई, ये सारी चीजें चली इसलिए गई क्योंकि जो पुराने जो इकट्ठा बीज होते हैं ना, जो शास्त्र स्क्रिप्चर्स बताते हैं साइंटिफिकली, वो सब खत्म हो जाता है. एंड विद दैट यू बिकम क्लीन अगेन, जो मैंने बताया ना कि अपवित्रो पवित्रो हुआ, फिर से क्लीन हो जाते हो अंदर से राइट. सो दिस इज अ वंडरफुल वे टू एक्चुअली गेट रिड ऑफ योर पास्ट कर्मस राइट. सो दैट्स अनदर बेनिफिट. एंड देन ऑफ कोर्स एज आई सेड राइट, जो अनवांटेड अनवांटेड स्ट्रेस डिजायर्स है ना, वो सारे खत्म हो जाते हैं. That's another benefit of it. Yeah, and this is what many people say. There are so many examples, right? Like for example, this person say, "Kya re, I start my day by chanting, or mera sara din acha nikalta hai uske karan, pleasant mood rehta hai." Somebody says ki peace milta hai mujhe. Koi aur kehta hai ki jaise Hima Malini, right? I mean, Hima Malini chants Hare Krishna every day. She says ki let's create a magic through power of my prayers. Let's chant together Hare Krishna. And all the sufferings, let's make a very beautiful and peaceful world. So, वगैरह बहुत सारे लोग हैं, कुछ ना कुछ सब बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग तरह के हैं, अलग अलग फील्ड के हैं, and they follow this and they've been benefited. Right? That's what I'm saying. Yeah, couple of examples. Yeah, this person is Mafatlal, right? Mafatlal Fabrics का owner है, CEO, right? He says कि chanting Hare Krishna has helped me face all ups and downs in my life. With great confidence and peace of mind. जैसे लोग even जो kids होते हैं वो they are getting into a place जहाँ पर इतना problems है उनके लिए, right? Lot of stress, lot of competition, और even for people who are working also, right? So उनके लिए कैसे वो control कर सकते हैं? So this is an example. This person says कि peaceful mind के साथ with confidence, ups and downs in life can be handled when you are in that zone, right? This person ये आपको अगर पता हो, Beatles was a band in 60s. राइट right. उसमें उसके बैंड के जॉर्ज हैरिसन कि मतलब रियलाइजेशन ऑफ गॉड चाहिए तो देन दिस इज द प्रोसेस. दिस पर्सन हेनरी फोर्ड जो है उनके सन है, इनका नाम अल्फ्रेड फोर्ड है. ओके ही सेज कि आई स्टार्टेड चैंटिंग हरे कृष्ण मंत्र और माय बीड्स एंड स्टडिंग बुक्स, चैंटिंग लॉर्ड कृष्णास नेम चेंज माय लाइफस्टाइल. सो मेनी एग्जांपल्स, मतलब इंडियन फॉरेनर्स वगैरह वगैरह. बट एज आई सेड, हमारे स्क्रिप्चर्स
टेल द वे, और कैसे करना चाहिए अगर और भी आपको परफेक्टली चैंट करना है तो सबसे पहले ये मंत्र बोलते हैं, ठीक है, आप धीरे धीरे यहाँ पर पहुंच सकते हो, बट सबसे पहला मंत्र जो बोलते हैं वो है जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। ये कौन है? ये श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, ये वो लोग हैं, दीज आर द फाइव पर्सनालिटीज इन स्क्रिप्चर्स हु एक्चुअली प्रोपोगेटेड दिस थ्रू आउट इंडिया, दिस मंत्र। सो वी जस्ट प्रे टू देम, जैसे हमने गुरु को प्रे किया था वैसे ही हम इनको प्रे करते हैं, एंड देन वी स्टार्ट चैंटिंग दिस मंत्र, ओके, एंड दिस इज द राइट वे टू चैंट इट। ओके, एनी क्वेश्चन, थॉट्स, वट एवर, समरी तो आई इट्स ओके, आई थिंक वी विल समराइज लेटर, बट या टेल मी anything which doesn't make sense, anything else you want to know from yoga, anything? Yeah, Nitin ji, tell me. Aap camera on karenge to aur acche se bhi sunai dega mujhe, because I can also look at the hum camera on nahi kar sakte, sorry, ha mat karo. Okay, main mera ek question hai. Ha boliye. Ye mala jo hai wo ek dusre ki use kar sakte hain ya nahi? Ideally nahi karna chahiye. ओके, आइडियली माला की ज्यादा कोई कॉस्ट नहीं होती है, खुद से लेके आ जाना चाहिए, एज पर स्क्रिप्चर्स इट्स ओके, आप अलग माला लेके आएंगे तो बहुत अच्छा है। जी, थैंक यू। ओके, हाँ, और कोई क्वेश्चन? प्रभु जी, आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ बोलिए। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने जैसे चैंटिंग के टाइम आपने बताया कि उसको सुनिए, आप जब बोलते हैं मंत्र तो सुनने की कोशिश कीजिए, उसमें क्या आंख मतलब जो दृष्टि रहती है उसको कहाँ पे फोकस करना है? आप आंख बंद कर सकते हैं, खोल भी सकते हैं, लोग वॉक करके भी चैंटिंग कर लेते हैं। देखिए, जैसे फोटो रहता है भगवान का, उस पे देख के तो फोकस हो जाता है, लेकिन आंख बंद करने पे अगेन डिफरेंट डिफरेंट थॉट आने लगते हैं इधर उधर से। कई बार फोटो पे भी ना थॉट आने लगते हैं, ठीक है, तो फोटो को आप देखते रहते हो तो आप देखते हो अरे कृष्णा की धोती बड़ी क्लीन है, मतलब इस कलर की है, मेरे पास भी। पैर पे मान लीजिए फोकस कर लिए कि चलो पैर ही देखें, वट एवर, आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो बोला ना कि यहाँ पे साउंड पे फोकस करना इज द रिकमेंडेड थिंग। ओके, और क्या क्या सोचना चाहिए, मतलब द वे टू थिंक इज यार कृष्णा और राधा रानी, राइट, यू नो, सो राधा रानी और कृष्णा जो है बेसिकली दे आर इंटरेस्टिंग, मतलब जैसे कि राधा कृष्ण, राइट, और सीताराम और लक्ष्मी नारायण, राइट, तो इनमें क्या है कि बेसिकली जो लक्ष्मी है शी इज द एनर्जी, ओके, एंड एनर्जेटिक इज द नारायण, राइट, वैसे ही सीताराम में सीता इज द एनर्जी एंड राम इज द एनर्जेटिक, राइट, और इसी तरह राधा इज द एनर्जी, एंड स्क्रिप्चर्स के हिसाब से एनर्जी और एनर्जेटिक दोनों आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, सो वी बोथ प्रे टू देम कि मुझे प्लीज एंगेज मी इन माई सर्विस, इन योर सर्विस। Okay, this is the prayer you should think and chant and focus on the song. Yes, go ahead, Sukesh ji. Yeah, second point. So, आपने अभी थोड़ा mention किया था आपने कि संप्रदाय से आपको लेना पड़ेगा process कैसे करना है, क्या करना है। तो जैसे अभी तो हम लोग किसी संप्रदाय से नहीं जुड़े हैं और कुछ एक दो मंत्र जानते हैं जो सुने हैं, जैसे ये महामंत्र हरे कृष्ण की बात की जाए, अभी अभी भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, मतलब मैं प्रैक्टिस करता हूँ, तो उससे मतलब क्या वो सही नहीं है कि क्या करना चाहिए? देखिए, संप्रदाय से जुड़ना ना कोई अनोखा प्रोसेस नहीं होता, मतलब ठीक है, ऐसे कोई साइन कोई वो नहीं होता है कि हाँ हाँ मतलब हम आज बीजेपी के मेंबर बन गया टाइप, राइट, इट इज व्हाट इट टेक्स इज लाइक यू नो व्हाट वी आर डिस्कसिंग अभी यहाँ पर, राइट, आई एम टॉकिंग फ्रॉम ब्रह्म संप्रदाय, व्हाट एवर आई एम टॉकिंग, राइट, हम जो नॉलेज ले रहे हैं वो ब्रह्म संप्रदाय से आता हुआ नॉलेज है, जो ब्रह्मा जी से लेके नारद मुनि और फिर व्यासदेव और फिर मध्वाचार्य से होता हुआ आया है यहाँ पर, राइट, सो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं और हम उस संप्रदाय में मिले मंत्र के बारे में बात कर रहे हैं, सो दिस हैज इफेक्ट। जी, राइट, संप्रदाय से जुड़ने के लिए कोई स्पेशल कुछ नहीं करना चाहिए, बट ऑल इट रिक्वायर्स इज फेथ, ठीक है, ऑन द वर्ड्स, अगर हम स्क्रिप्ट, और मैं जो भी बात कर रहा हूँ ना, मैं अभी तक जितनी भी बातें की चर्च से की है, राइट, कुछ पीछे से इधर उधर की नहीं पे की है, कुछ एनीवेज, सो अगर हम फेथ नहीं करेंगे तो देन दैट विल बी देयर, दैट मच आई कैन गारंटी। अच्छा, इसमें दो सवाल और है मेरे, एक तो जैसे कि जैसे कभी कभी बिकॉज ऑफ एनी अदर वर्क, ऑफिस जाना है या फिर बाहर निकल रहे हैं, कुछ काम है और पूजा, मतलब जैसे मॉर्निंग में आदत है कि नहा के वो करने का और वो छूट रहा है, लेकिन वो करना जरूरी, अंदर से लग रहा है करना चाहिए, ऑफिस लेट हो रहा है, मतलब स्ट्रेसफुल थोड़ा सा माहौल हो जाता है,
तो उस टाइम क्या बाद में कर लेना चाहिए कि कैसे, ये वहां मतलब मैं स्ट्रेस में जब आप रहे तो? नहीं, कमाल की बात यह है ना कि आप इसके लिए ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं, और ये इसलिए जरूरी है इस एज में क्योंकि हम लोग ना उतने इस सब चीजें मेंटेन नहीं कर पाते अपनी लाइफस्टाइल के साथ, राइट। तो अगर आप नहीं कर पाते हो ना, कुछ भी नहीं कर पाते हो, कोई भी पूजा नहीं कर पाते हो, तो किसी भी टाइम पर आप ये कर सकते हो। किसी भी टाइम पे भी नहीं, अगर आप बस में बैठे हो तो बस में कर लो, कहीं पर भी बैठ सकते हो आप, कहीं पर भी कर सकते हो, कहीं वेट कर रहे हो आप तो कर लो, राइट। एनी प्लेस इज ओके, नो रूल्स एंड रेगुलेशन, दैट इज अमेजिंग पार्ट, बिकॉज अदरवाइज हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है मेंटेन करना ना, मतलब आज के लाइफ स्टाइल में। जी, जैसे जैसे आप ये करोगे ना, आफ्टर 1-2 साल बाद आपको खुद ही पता चलेगा कि आपकी लाइफ में ना बहुत टाइम है, टाइम भी निकल के आएगा, पीस स्ट्रेस भी कम हो जाएगा, ज्यादा पीसफुल हो जाएंगे और भी बहुत कुछ कर पाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ने के लिए योग में दिस इज द बेस्ट प्लेस टू अटैक, दिस इज द ईजिएस्ट फास्टेस्ट वे टू अटैक। एक एक और मतलब लास्ट सवाल है तो इस पॉइंट पे कि जैसे पहले मैं कुछ और मतलब मंत्र जपता था, जब से पता नहीं था, मतलब पहले कुछ और जपता था, भगवान का ही नाम था वो जपता था, अभी ये पता चला तो कैसे उसको रोकना? अभी जैसे मान लीजिए लास्ट 4 महीने से पता है मुझे, तो 4 महीने से मैंने दोनों जपता हूँ, दोनों माला करता हूँ, ये भी करता हूँ वो भी करता हूँ, 108 108, तो क्या उसको छोड़ना चाहिए? वो भी भगवान का ही नाम है, मतलब ऐसे सब तो भगवान का ही नाम है, लेकिन क्या क्या कौन सा मंत्र बोलते हो? जैसे मैं बोलता हूँ ओम सचिदेकम ब्रह्म, मतलब ओम सचिदेकम ब्रह्म ऐसा करके। नहीं, देखिए सभी भगवान के नाम नहीं होते, बट बेसिकली अलग अलग, देखिए होता कैसे है ना कि हमें क्या लगता है कई बार कि सारी गाड़ियां एक ही रास्ते पे जाएंगे, एक ही जगह पहुंचेंगे, बट ऐसा नहीं होता। लाइक लोग बोलते हैं ना, कोई भी पाथ ले लो एक ही जगह पहुंचता है, बट ऐसा नहीं है ना। हम ट्रेन में बैठेंगे कलकत्ता की तो कलकत्ता पहुंचेंगे, बॉम्बे तो नहीं पहुंचेंगे, राइट। सो सिमिलर थिंग, मतलब यू नो देयर इज दिस स्पेसिफिक मंत्र टेक यू टू अ डिफरेंट प्लेस, दिस मंत्र इफ रिवर्स विल टेक यू टू अ डिफरेंट प्लेस टाइप ऑफ थिंग। सो इवेंचुअली एंड इट्स ओके, यू कैन कंटिन्यू, राइट। बट जो मैं बता रहा हूँ कि मैंने जो बताया कि कलयुग में दिस इज द मोस्ट रिकमेंडेड मंत्र आउट ऑफ ऑल द मंत्र, और हम कमाल की बात यह है कि दिस डजंट इनकर एनी सिन, मतलब इसमें कोई पाप नहीं है किसी भी तरह से करने में भी, क्योंकि बिल्कुल रॉ नेम ऑफ गॉड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, आप कैसे भी कर सकते हो, राइट। हर मंत्र के साथ ऐसी चीजें अप्लीकेबल नहीं है, कुछ मंत्र को अगर आपने गलत सलत हालत में कर लिया तो आपको उसके इफेक्ट भी भुगतने पड़ते हैं, तो दोनों सेम नहीं होते, बट हाँ दिस इज गुड इनफ, आप अभी वो कर सकते हो कि आप ये भी करते रहो साथ साथ में, दैट्स ओके, दैट्स ओके। बट एज आई सेड कि हाँ दोनों मंत्र अलग अलग होते हैं और इफेक्ट अलग अलग होंगे, दैट इज जी। और भी हैंड्स अप है या गुरुजी? गुरुजी पंकज जी, हाँ या गुरुजी, मेरा एक सवाल था, कुछ लोग जब जप करते हैं माला का तो उसको कपड़ा ढक करके या कुछ उसके ऊपर रख करके करते हैं, तो कर सकते हैं। देखिए मेरे पास एक्चुअली ना ये एक ऐसे बैग है, ठीक है, आई डोंट नो कितना दिख रहा है आपको, उस बैग में मैं हाथ ऐसे डाल के और माला को करता हूँ, ठीक है। इसके अपने बेनिफिट्स हैं, स्क्रिप्चरली भी वेरीफाइड चीज है कि मतलब यू नो, और इजी टू होल्ड भी होता है, मतलब यू नो ऐसे इजी टू हैंड होल्ड हैंडल थिंग्स लाइक दैट। इसको इसको गोमुख बीट बोल बैग बोलते हैं, जिससे कि मतलब यू नो, और आपकी फिंगर एक्चुअली शास्त्र कहते हैं कि ये जो फिंगर है ना, ये हम दूसरों की तरफ दिखाने की कोशिश करते हैं, तो इससे अपना ईगो जुड़ा हुआ होता है, तो इस फिंगर को टच नहीं करना चाहिए, तो ये फिंगर बाहर निकल आती है और उसके बाद आराम से पीसफुली माला कर सकते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और वॉक भी कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, इजी टू हैंडल एंड थिंग्स लाइक दैट, क्योंकि माला आपकी ज्यादा पवित्र चीज होती है, तो इधर उधर गिरने का और वो होने का, खराब होने का भी डर नहीं होता, सो इट मेक्स सेंस दैट वे, राइट। तो यस, आई मीन आइडियली यस, तो अनआइडियली एज आई सेड कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा तो उंगलियों से भी 12 और इंटू 9 108 कर सकते हो आप कभी भी, बट अदरवाइज आइडियली यस, इससे खराब होने का डर नहीं होता क्योंकि आपकी माला। गुरु जी मेरा एक क्वेश्चन है, व्हाई 108? सो बेसिकली आपको पता हो तो स्क्रिप्चर्स में 108 उपनिषद हैं, राइट, देयर आर 108 उपनिषद, स्क्रिप्चर्स से कि अगर आप ये माला करते हो ना तो आप 108 उपनिषद के नॉलेज जितना नॉलेज गेन कर सकते हो, ठीक है। ऑफ कोर्स यू कैन डू एनी नंबर ऑफ टाइम, लाइक फॉर एग्जांपल आप 108 इनटू कुछ भी कर सकते हो, 108 टाइम्स किया फिर उसका 2 कर दिया, राइट, 2 दो माला कर लिया, आई मीन यू नो एक मॉर्निंग में कर लिया, एक शाम को कर लिया, या फिर एक साथ ही दो कर लिया, थिंग्स लाइक दैट कैन बी डन, ऑल ऑफ दैट कैन बी डन,
right? But yeah, 108 has a significance with the number of scriptures. Okay. Okay. All right. Any other questions? गुरुजी मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था कि जो हम जो मंत्र होते हैं उस मंत्र में जितने अक्षर होते हैं उसके अकॉर्डिंगली 100 इनटू मल्टीपल टाइम्स उसका जप करना चाहिए तो ज्यादा बेनिफिशियल होता है. मतलब कहाँ पढ़ा था? एक पुस्तक थी उसमें, मतलब काफी पुरानी, वो गीता प्रेस से पुस्तक खरीदी थी उसमें पढ़ा था मैंने. पता नहीं क्या होता है ना कि प्रॉब्लम क्या है ना कि जब तक कोई चीज ऑथराइज्ड स्क्रिप्चर, इसलिए मैंने बोला कि बिना संप्रदाय के बिना ऑथराइज्ड उसके ना रिजल्ट मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है. ओके क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं होगा ना कि क्या करना है तो फिर हमें इफेक्ट रिजल्ट मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा. सो दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग, आई मीन अर्लियर आल्सो आई सेड दैट. नाउ द पॉइंट इज कि आप जो बोल रहे हो ऐसा कुछ मल्टीपल और नंबर्स का कुछ चक्कर नहीं, ठीक है. फ्रेंकली स्पीकिंग इफ यू आस्क मी तो रियली जो स्क्रिप्चर्स कहते हैं ना वो ये कहते हैं कि सारे समय दिन और रात भगवान का नाम लेना 24 आवर्स अ डे, नथिंग एल्स. बट ऑफ कोर्स मतलब इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट. नाउ इफ समथिंग इज सो डिफिकल्ट देन व्हाट टू डू, देन व्हाट टू डू इज ठीक है चलो हम जितना ले सकते हैं उतना लेते हैं, दैट्स ओके, राइट. नंबर्स कैन शुड आइडियली कैन बी मोर आल्सो, आई मीन इट्स ओके, बट डोंट वरी टू मच अबाउट दैट पार्ट, उतना दिमाग उस पर नहीं लगाना चाहिए, राइट. बट ऐसा कुछ मल्टीपल और इसके ऊपर कोई लॉजिक किसी ऑथराइज्ड स्क्रिप्चर्स पे तो नहीं है. नो वेयर इट सेज. ओके या गो अहेड, हु एल्स? आई हैव अ क्वेश्चन. या गो अहेड. सो यू मेंशन, आपने बोला कि जब हम मंत्र करते हैं तो या जाप करते हैं तो हम थोड़ा ऐसे बोलें कि दूसरे आदमी को सुनाई दे. क्वाइट ऑफन जब हम जाप करते हैं तो हम एक तो शायद जल्दी जल्दी नहीं हो पाए और दूसरा ये हो जाता है कि हम अपने में ही करते रहते हैं, राइट. हम अगर नाम ले रहे होते भगवान का तो करके, आई मीन एटलीस्ट मेरे साथ तो यही होता है. तो उसके पीछे कोई रीजनिंग है कि हम, क्योंकि ये हो सकता है कि अगर हम कहीं एयरपोर्ट में एग्जांपल कोई बैठा है तो शायद वो इतनी जोर जोर से नाम नाम ना ले सके या जाप ना कर सके. Doing that, I do it all the time, and I'm as educated as maybe roughly as educated as most of you. So, agar aisa lagta ho to koi farak nahi padta, ye sirf hamara inhibition hota hai, hame lagta hai ki. But point ye hai na ki main isse bol raha hu, ye naam hum aise hi nahi le rahe hain, hum dhyan kar rahe hain, theek hai. Sound vibration pe dhyan kar rahe hain. So, sound vibration pe dhyan karne ke liye sound sunai to dena chahiye. Okay, jyada zor se nahi bolna hai. Maine isliye bola ki dekhiye aap mera जो आवाज है उसके हिसाब से भी कर सकते हो. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ठीक है. बहुत तेज नहीं बोल रहा हूँ मैं, है ना, पीसफुली बोल रहा हूँ और पीसफुली सुन भी रहा हूँ. एंड अगर हम ये पूरा का पूरा मंत्र 108 बार सुन पाते हैं ना, दैट इज अ लॉट ऑफ बेनिफिट, आई कैन टेल यू, बिग टाइम बेनिफिट. आई मीन यू विल बी बॉर्ड इन योर लाइफ. सो इट्स नॉट अबाउट कि बस नाम लेने के लिए ले लिया, टिक मार्क लगा दिया, वो एम नहीं है. बट बेसिकली उसको सुना और फोकस किया ताकि माइंड को काम कर सकेंगे हम. यू विल सी दैट द स्ट्रेस एंड थिंग विल रिड्यूस. बट या आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग कि अरे हाँ, हमको शुरू में थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है बाहर करने के लिए. कोशिश करनी चाहिए कि अगर पॉसिबल हो, अगर उसमें भी बहुत ऑकवर्ड लग रहा है तो यू नो व्हाट, प्रेयर रूम्स आर देयर इन एयरपोर्ट्स, राइट. ऑफिशियली वहाँ पे प्रे कर सकते हैं, लोग करते भी हैं, राइट. दैट्स ऑल्सो अनदर प्लेस टू डू इट. बट एयरपोर्ट पे एक्चुअली सोचने वाली बात ये भी है कि हमारी लाइफ पूरी एयरपोर्ट पर ही निकलती नहीं है. कभी साल में बाकी दिन तो हम अच्छे से कर सकते हैं, राइट. सो लेट्स फोकस एंड डू इट ऑन दोस डेज. समटाइम्स बिकॉज़ वी फोकस टू मच ऑन दोस एक्सेप्शनल डेज, बट इट शुड बी डन इन अ लाउड वे और इन अ वे वेयर वी कैन हियर इट. यस, टेल मी हु एल्स. इट मेक्स सेंस, राइट शिवानी जी? ओके, थैंक यू. इट डस, थैंक यू. या प्रभु जी, जैसे मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मैं मॉर्निंग में चैंटिंग करती हूँ ना तो बहुत ही मतलब एनर्जी होती है अच्छे से, और मतलब थोड़ा ध्यान भी लग जाता है. बट कई बार होता है काम बहुत मतलब नहीं टाइम मिलता है, तो अगर मैं रात को उठाती हूँ मतलब माला या शाम को, तो वो ध्यान कहीं ना कहीं मतलब चला जाता है सारी चीजों में, वो एनर्जी नहीं आती है.
तो उससे भी कुछ फर्क पड़ता है, मतलब वो ध्यान ही नहीं लग पाता है। ऑफ कोर्स आपको पता है आंसर, राइट? आंसर ये है कि सुबह करने के लिए, फिर इसका मतलब ये, राइट? दैट्स व्हाट इट मींस कि मतलब ध्यान लगे वहां पे करना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना कि मतलब बेसिकली जैसे हम जैसे जैसे दिन, एक्चुअली ना टाइम का भी अपना ना गुण होता है, जैसे मूड ऑफ नेचर हमने बात किया ना कि सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, समय भी अलग अलग गुणों में होता है। जो सुबह का समय है ना वो सत्व गुण का होता है, और जब पीसफुली, हैप्पीली, नॉलेज, इस तरह की बातें होती हैं, ठीक है। और उसके बाद जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे वैसे रजोगुण टेक ओवर करता है। जब आप एकदम काम करना है दिन में, आप जाते हो ऑफिस में काम करते हो वगैरह वगैरह, राइट? और उसके बाद जैसे जैसे शाम होती है, रात होती है, वैसे वैसे तमोगुण, राइट, नींद आती है, लोग बार में जाते हैं, लोग और उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, तमोगुण टेक ओवर करता है। ओके, सो दिस इज द बेस्ट टाइम, अर्ली टाइम, जो इसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? सनराइज से एक डेढ़ घंटे पहले का समय, राइट, 5 to 6, 7 के बीच का जो समय होता है ना, दैट इज द राइट टाइम टू डू दिस। और उस समय माइंड बहुत ही स्ट्रांग, हम फटाफट कंट्रोल कर सकते हैं, और अच्छा भी होता है कि हम उस समय कंट्रोल कर लें और फिर दिन पूरा अपना पीसफुली अच्छे से निकालें। जैसे एक वो है ना जो शराबी होता है ना, जो शराब पीता है, वो क्या करता है, शराब पी के सो नहीं जाता तुरंत, नहीं तो वो इंजॉय नहीं कर पाएगा उस शराब को, राइट? तो वो क्या करता है, वो थोड़ा पहले पीता है शाम को, ताकि वो 2-3 घंटे मस्ती करेगा, कुछ कुछ करेगा, इंजॉय करेगा, राइट? इसी तरह अगर आपको इसका इफेक्ट इंजॉय करना है ना, तो देन डू इट इन द मॉर्निंग, ताकि होल डे इज देयर फॉर यू टू एंजॉय द इफेक्ट्स, राइट? इसको करके सो गए तो दैट पीसफुल ऑफ माइंड विल नॉट बी एबल टू एंजॉय, राइट? फिर ऐसा लगता है कि वो एक टिक मार्क है, रह गया है, तो उसको कंप्लीट कि टिक मार्क क्यों करना, मतलब हां, यू नो द आंसर, एज आई सेड। ओके, यस संतोष, टेल मी। थैंक यू। Guruji, along with this writing or drawing, somehow I feel a little concentrated on drawing, focus, somehow the focus will be on that and complete energy can be put on the paper and pen. Yeah. So Likhna bhi, is it a way of, I'm not sure, time lagta hai definitely, yeah, as compared to listening and speaking. But is it one of the ways we can explore if needed? Yeah, it is possible. Anything is a way, by the way. So we talked about 5 things last time. You were not there. A, B, C, D, E. Right? उसमें से जो E है ना, उसको बोलते हैं engagement, यानी कि service. Okay? जो कि हम लोग नहीं करते हैं. हमें अब देखोगे बाकी सारे religions में एक service करते हैं लोग. Right? Muslims भी, Christians भी, Sikhs भी, everyone. But Hindus ऐसा कोई service का concept ही नहीं है. राइट, मंदिर जाते हैं, 1 रुपया डालते हैं, वापस आ जाते हैं, खत्म, दैट्स इट, राइट? बट बेसिकली सर्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, सुन रहे हैं ना, उसको जब तक अप्लाई नहीं करेंगे ना, तब तक ग्रो नहीं करेंगे। और सर्विस कैसी भी हो सकती है, आपकी जो क्वालिटीज है उनको यूज की जा सकती है सर्विस में। फॉर एग्जाम्पल, जो डांस कर सकता है वो भगवान के लिए डांस कर सकता है, जो कुक कर सकता है वो भगवान के लिए अच्छा भोग कुक कर सकता है, राइट? जो टीच कर सकता है वो टीच कर सकता है भगवान के लिए, राइट? जो ड्रॉइंग कर सकता है वो ड्रॉइंग भी कर सकता है भगवान के लिए, right? Anything can be done and it's an engagement, right? And you elevate by that. But basically mind control is the most important, right? अगर mind नहीं control होगा तो एक दिन करेंगे, उसके बाद next time it's okay types, right? तो इसलिए हाँ, so इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि to begin with this is the process. I mean, if you continue with me, right? If you keep talking together, then I will talk about a lot of other things. ये तो बहुत जो हम बात कर रहे हैं ना, ये अभी बहुत basics 101 ऑफ स्पिरिचुअलिटी है। हम अगले 10 साल तक भी बोलते रहेंगे ना, तो मैं कुछ ना कुछ आपको बताता रहूंगा, नहीं नहीं बातें, तो डोंट वरी, आई मीन यू नो, बट द पॉइंट इज कि पहले जो शुरू करना चाहिए ना, कि पहले क्लीन होना जरूरी है। देखो, पूजा के पहले हम ये बोलते हैं ना, अपवित्र हो, पवित्र हुआ, सबसे पहले वो करना जरूरी है, फिर पूजा करेंगे, राइट? तो पहले क्लीन तो हो, पहले माइंड तो स्टेबल हो, पहले इमोशनली, मेंटली हम लोग स्टेबल हो जाए, right? When we are in that place where we decide, whatever we decide now, we do it for our life. Uh-huh. Right? So that is important. And this is the yoga. Yoga is like, you know, process. It's a process to connect. And this itself is a good process. Maybe. Chanting alone is a good process, but yes, you can do that. Aap bilkul kariye, lekin saath mein do not leave this kind of a thing. So what else? Any questions? Yes, Sukesh ji. So Prabhuji, ये 16 माला का जाप क्या होता है प्रभु जी? नहीं, मतलब कुछ नहीं होता, ऐसा कोई उसका वो नहीं है। आप 16 कर सकते हो, 50 कर सकते हो, 100 कर सकते हो, कितनी भी माला कर सकते हो, ठीक है? बेसिकली जैसे एक माला जो मैंने बताया ना 108 टाइम्स, ऐसी लोग 16 करते हैं। अच्छा, पूरा मतलब 16 टाइम्स
करेक्ट, कितने भी बार कोई कर सकता है, मैंने जो बोला ना कि ऐसा कोई इसका लिमिट नहीं है जी, बट ये अपने इंस्पिरेशन से अपने अंडरस्टैंडिंग से आना चाहिए, ना कि आई एम जस्ट फोर्सिंग यू टू डू इट, राइट, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि इसको करने से आपका माइंड कंट्रोल में आएगा, व्हेन इट हैपेंस ना, जब हमको थोड़ा लेवल पे अच्छा लगता है ना कि हाँ हाँ मुझे सच में फायदा हो रहा है, देन पीपल मे वॉन्ट टू गेट इट मोर डन, राइट, एंड देन पीपल इंक्रीज, देन इट्स ओके वट एवर नंबर, सो नंबर इज नॉट द प्रॉब्लम, ओके राइट, एनी अदर क्वेश्चन, okay, so tell me one thing, at least if you can raise hand, right, who all is planning to chant this week, on this thing would be good, yeah, so I can see who else is there, at least kuch to pata chale, okay, at least give it a try, matlab you know that much I can tell you, jo log ne haath nahi uthaya unko bhi my request, sincere request is ki at least give it a try once. If you don't do that now, some things, then you'll not know what it is all about, right? I mean, bachpan mein, college mein, log bolte the na friends ki, ye lo ek bar cigarette peeke to dekho, matlab, you know, give it a try. Otherwise, kaise pata chalega ki kya sahi, kya fayda, kya nuksan, right? So basically, that's my humble request. Ki, matlab, you know, otherwise you will not know ki, matlab, iska koi fayda bhi hai kya. That it has its own benefit. And as I explained, ki, this is going to... give knowledge of its own, like jab hamara mind peaceful hota hai na, jab hum actually see what has happened and we talked about, right, ki hamara ek soul hai, uske alawa ek man buddhi aur ahankar hai, aur wo man buddhi ahankar jo hai mind intelligence and false ego, ye actually hamare soul ko cover karke rakha hua hai usne, aur hame na sach nahi dikhai de raha ki hamara soul jo hai na wo bahut hi alag cheez hai yahan se, okay, it is a different entity, is world mein fas gaya phantu mein, right, aur ye sab cheeze hame samajh mein nahi aati hai, हमें लगता है कि एंजॉय करो विच डजंट हेल्प अस अ लॉट, सो अगर हम इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं ना, तो सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि ग्रेजुअली सोल एक्चुअली अपनी रियल आइडेंटिटी देख पाता है और यहाँ से निकल पाता है, विच इज लाइक द मोस्ट प्राइमरी थिंग, सो अनलेस यू गिव इट अ ट्राई इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, मतलब सो माई हम्बल रिक्वेस्ट इज दैट की ट्राई टू डू इट वंस दिस वीक, इफ यू फेस इशूज लेट मी नो, आई मीन लाइक यू नो वी कैन टॉक, इफ यू फेस इश्यूज की ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया, मजा नहीं आया, मन नहीं लगा, माइंड कंट्रोल में नहीं हुआ, वगैरह वगैरह बहुत कुछ हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन, एंड वी कैन टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट, ओके, नेक्स्ट टाइम, एंड सो नेक्स्ट टाइम बेसिकली, एंड ऑफ कोर्स यू कैन हैव स्टिल हैव क्वेश्चंस, बट नेक्स्ट टाइम व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नाउ ऑनवर्ड्स इट्स गोइंग टू गेट मोर एंड मोर एक्साइटिंग द सेशंस, द नेक्स्ट सेशन इज अबाउट स्पिरिचुअल वर्ल्ड, हमने सुना है, बहुत लोगों ने नाम सुना है, राइट, कि वैकुंठ नाम की जगह होती है, राइट, बट ये वैकुंठ पता कैसा है, कैसा दिखता है, कौन रहता है वहाँ पे, मतलब यू नो है क्या चीज, और वगैरह वगैरह जो भी आप सोच सकते हो ना, वहाँ पे क्या होता है, जैसे क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना, हम सब बातें करते हैं कि अरे वैकुंठ जाना है, वैकुंठ जाना है हमें, बट अगर जिसको पता ही नहीं है वो वैकुंठ क्यों जाना चाहेगा, तो मतलब अरे मुझे पता ही नहीं क्या वैकुंठ, मेरा घर अच्छा है, इतना बड़ा घर है, सब कुछ अच्छा अच्छा वाला है, तो मैं क्यों जाऊँ वैकुंठ, राइट, दैट कुड बी अ क्वेश्चन एनीबॉडी कैन हैव, राइट, तो ये चीज के बारे में हम बात करेंगे कि एक्चुअली वैकुंठ है क्या, क्योंकि सभी रिलीजन्स इसके बारे में बात करते हैं, कोई बोलता है किंगडम ऑफ गॉड, कोई बोलता है कुछ, कोई बोलता है कुछ, लेकिन नोबडी एक्सप्लेन्स लाइक सनातन धर्म, सनातन धर्म में हमारे धर्म में बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है इस चीज का, बट वो हमें पता नहीं है क्योंकि हमें किसी ने बताया नहीं, सो वील टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट, ओके, नेक्स्ट टाइम, सो एनी अदर क्वेश्चंस टेल मी फ्रॉम एनीवेयर, और एल्स एनीवेयर बाय द वे द as the 12:30 bell strikes, the session is over officially. Guruji, one maybe some I just bogged my mind, I just thought I want to ask this mantra what you said, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare, this mantra might have been created way beyond whatever Ramayana happened, is it so? The reason is इसमें रामा का नाम है ना, इसलिए मेरा क्वेश्चन है कि इज दिस फ्रेम्ड आउट बिफोर इवन लॉन्ग बैक, और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, सो बेसिकली यू नो व्हाट, राम का नाम इटसेल्फ इज देयर इन वेदा, वेदा जस्ट अ पर्सन नेम, द नेम ऑफ द पर्सन विद द नेम ऑफ द प्लेस वेयर ही बिलोंग्स एंड एवरीथिंग, ठीक है, इट इज देयर इन वेदास, I can share the verses if you want. Mm-hmm. Okay, I can seriously share. I can share that. So basically, it talks about that. Ki Ram, jo hai, wo unka jo dham hai, uska naam Saket hai.
ओके, ऑल्सो कॉल्ड अयोध्या, ठीक है, और वो जो है वो कहाँ पर है स्पिरिचुअल, उसमें जिसके बारे में हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे, वैकुंठ में कहाँ पर है वगैरह वगैरह, ये सब वेद में आता है, वेदास में आता है। तो ये जो लोग है ना, ये आपको ऐसा लगता है कि वेदास में कुछ अलग डिस्कनेक्ट है, किसी में कुछ अलग डिस्कनेक्ट है, क्योंकि हमें पता नहीं है ये सब, बट ऐसा कुछ है नहीं, देयर इज नो सच डिस्कनेक्ट। द पर्सन कुड कम, सी आई टोल्ड लास्ट टाइम और लास्ट टाइम बिफोर लास्ट टाइम, जब हम वैदिक सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे, कि जो श्रीमद भागवत है वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले लिखा हुआ है, और उसमें बुद्धा के बारे में भी फ्यूचर टेंस में बात होती है, पता है कि बुद्ध नाम का एक आदमी आएगा जो इस जगह पर होंगे, उनके फादर का नाम ये होगा, मदर का नाम ये होगा, एंड दिस व्हाट ही विल डू, थिंग्स लाइक दैट। द सेम श्रीमद भागवतम 11th, जो 11th कैंटो है, जो 11वां स्कंद है, वो टॉक्स अबाउट चैतन्य महाप्रभु इन बंगाल, अबाउट एंड द एंटायर थिंग अबाउट हिम, लाइक यू नो कि वो कहाँ पर बॉर्न होंगे, उनके मदर फादर वगैरह वगैरह सब कुछ। सिमिलरली इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट कली, जो कली कलयुग है वो है, और कलयुग के बाद जो भगवान का लास्ट, जो अभी इस युग में कलयुग के एंड में जो अवतार होगा, उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन है कि वो कैसे होंगे, कैसे कैसे क्या होगा, सब कुछ डिटेल्ड है, एंड इट इज स्टिल इन द फ्यूचर टेंस, वो अभी हुआ नहीं है वो अवतार, सो डोंट वरी अबाउट दैट। मतलब द स्क्रिप्चर्स आर ऑसम, मतलब इट हैज ऑल द नॉलेज, सो यस, बट करेक्ट, यू आर राइट, ओके, या बट आई कैन शेयर इफ यू वांट टू, नो लाइक यू नो इट्स देयर इन द वेदास, राम का नाम एंड उनका लोक एंड एवरीथिंग इज देयर। ओह थैंक यू जी, ऑलराइट, थैंक यू, एनी अदर क्वेश्चंस एनीवन, ओके। सो प्रभुजी, आई थिंक लास्ट टाइम ऑल्सो समबडी आस्क्ड फॉर इट, ये जो स्लाइड्स है, आई रिमेम्बर आपने बोला था कि ये थोड़ा मुश्किल होगा शायद शेयर करना, लेकिन जैसे हम लोग इसके बारे में जान रहे हैं, कभी रेफरेंस लेना रहेगा तो फिर कैसे ले सकते हैं? कौन सा डिफरेंस है आपको क्या? जैसे रिविजन के लिए, जैसे दो तीन स्लाइड जो हमने लास्ट दो तीन सेशन अटेंड किया है, अभी आप ये एक दो घंटे के सेशन में तो आपने जो बताया हम लोग ने मतलब ग्रास्प किया और समझा, लेकिन फिर भी जस्ट अपना रिवीजन करना है 10-15 मिनट टाइप से, तो उसका कुछ अगर एक्चुअली उसका मैं आपको दो चीजें बताता हूँ। बेसिकली सबसे जो इम्पोर्टेंट काम करना चाहिए जब भी हम कोई कुछ सुनते हैं ना, जैसे हम स्कूल जाते थे कॉलेज जाते थे तो क्या करते थे बताए ना, हम नोट्स बनाते थे जी, वो तो कर वो मैं कर रहा हूँ जी, नोट्स तो करता हूँ ना, एक काम वो करना ही चाहिए, बिकॉज नहीं इट्स अ सीरियस थिंग, मतलब इवन आई डू इट बाय द वे, आई डू सी माय, आई डोंट नो व्हेदर यू आर एबल टू सी योर नॉट डायरी, आई गॉट सेंस, द अदर थिंग इज या आई थिंक व्हिचएवर स्लाइड यू वांट आई कैन शेयर दैट, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, टेल मी, आई मीन आई कैन शेयर इट, इनफैक्ट अभी हम ऑनलाइन कर रहे हैं तो और भी इजी है, आप स्निप कर सकते हो स्लाइड को अपने हिसाब से, व्हाटएवर यू वांट, राइट, बट आई कैन शेयर दैट व्हिचएवर यू वांट, एटलीस्ट ठीक है, वैसे तो याद नहीं रहता ना गुरुजी, मतलब जो चला गया वो याद नहीं रहता पूरा, ठीक है, आपको स्क्रिप्चरल रेफरेंसेस चाहिए, आई विल शेयर द स्क्रिप्चरल, वैसे तो आप देते ही हैं ग्रुप में, आप देते ही हैं, मतलब फिर आई कीप ऑन फ्रॉम माय साइड, आई कीप ऑन शेयरिंग द रिलेवेंट पोर्शंस, राइट, यू गिव, या यू शेयर दैट, तो वो मैं करता रहूंगा, आप चिंता मत करिए, इनफैक्ट या सो दैट मच विल बी देयर, आई विल शेयर द स्क्रिप्चरल रेफरेंसेस और ये सारी चीजें मैं शेयर कर दूंगा, जो भी रिलेवेंट होंगी स्लाइड्स ना मैं शेयर कर दूंगा, चिंता मत करिए, ओके जी, एनी अदर क्वेश्चंस? सो क्या हम लोग आगे में क्या पुराण वगैरह के बारे में भी कुछ जानेंगे क्या प्रभु जी? हाँ हाँ बिल्कुल जान सकते हैं, देखिए ये ना इट्स अ प्रोसेस, पहले हम लोग ना अगर इसको मेथोडिकली जाएंगे ना तो ही आपको इसकी वैल्यू मिलेगी, ठीक है, मेथोडिकली का पहला रूल ये है कि नॉलेज लेने से पहले प्यूरिफाई होना पड़ता है। आपने सुना होगा ऐसा ना कि ब्राह्मण पुराने जमाने में ब्राह्मण शास्त्र पढ़ते थे, जी जी, राइट, और नहीं पढ़ता था कोई, किसी को लिए अलाउड नहीं था, क्यों पता है? कि ब्राह्मण के लिए ही पॉसिबल था उसको समझना। अब ब्राह्मण कौन होता है? ब्राह्मण ना बाई बर्थ नहीं होता है, ऐसा मिसकंसेप्शन है, मतलब पुराने शास्त्र कहते हैं कि जो ब्राह्मण के घर में पैदा होता है उसको ब्रह्म बंधु बोलते हैं, ओके, और उसके बाद बेसिकली ना तो जो ब्राह्मण होता है ना वो एक्चुअली सेंस कंट्रोल्ड होता है, वो क्लीन होता है, और तब उसको ना क्लीनली समझ में आते हैं शास्त्र। तो पहला स्टेप, जो पहला इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि हमें अपने आप को क्लीन करना है, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग राइट नाउ, राइट जी, इफ वी प्रैक्टिस दिस हम लोग थोड़ा क्लीन हो पाएंगे, कुछ समझने के लायक जाएंगे, ओके, और हम बेसिक्स से शुरू करेंगे, अभी भी हम बेसिक्स पे बात कर रहे हैं, अभी हम और थोड़े टाइम बेसिक्स पे बात करेंगे, वी कैन स्टार्ट विद भगवद गीता एंड गो टू श्रीमद भागवत एंड अदर पुराणस ऑल्सो, इट्स फाइन, आई मीन लाइक यू नो एनीवेयर वी कैन गो, एनीवेयर विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, बट वी हैव टू फॉलो इट इन अ मेथोडिकल वे, राइट जी। इनफैक्ट अपार्ट फ्रॉम ऑल द पुराणस बेसिकली श्रीमद भागवत इटसेल्फ इज गुड इनफ, नो अदर पुराणा हैज
दैट मच पोटेंशियल श्रीमद भागवत, बिकॉज जो पुराण है ना, जो 18 पुराण है ना, वो भी अलग अलग गुणों में है, छह पुराण तमोगुण में, छह सत्वगुण में और छह रजोगुण में, राइट। और श्रीमद भागवत जो है ना उसको अमल पुराण कहते हैं, जो कि बेसिकली इन सारे तीनों गुणों के भी ऊपर होती है, जहां पर फालतू की बातें नहीं होती है, मतलब वहां पे सिर्फ और सिर्फ रॉ भक्ति। कौन सा गुण बताया, सॉरी मिस, श्रीमद भागवत नहीं, कौन सा गुण ये तीनों के अलावा, तपोगुण रजोगुण और तमोगुण के अलावा? तपोगुण रजोगुण और तमोगुण होते हैं तीन, राइट। जी जी, नाम सुना है ना? जी जी, छह पुराण जो है वो तमोगुण में, 18 पुराण है टोटल, तो छह पुराण तमोगुण में, छह रजोगुण में और छह सत्वगुण में, ठीक है। और श्रीमद भागवत को शुद्ध सत्व का पुराण कहते हैं, यानी जो कि इन तीनों गुणों के भी ऊपर है, जहां पर प्योर भक्ति की बात होती है। सो itself is awesome, but हम बाकी पुराण भी पढ़ सकते हैं, वो problem नहीं है, but हम gradually जाएंगे, उसमें time लगेगा, right? जी, जी, जी. So it's a, but ये जो process है ना, ये process श्रवण कीर्तन दोनों करते चलना है, ठीक है? जैसे जैसे हम धीरे धीरे करेंगे ना, तो हमको ये समझ में भी आएगा और हम खुद भी एलिवेट होंगे। सिर्फ थ्योरिटिकल अगर अंडरस्टैंडिंग ले ली ना सारे पुराणों की, तो कुछ समझेगा नहीं। बचपन से बहुत कुछ सुना होगा आप लोगों ने भी, बचपन में भी इधर उधर की स्टोरी, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ, राइट। जी, फोकस के साथ समझेंगे ना, तो एक श्लोक लाइफ बदलने के लिए काफी होता है। Only one shloka itself is enough. It's so yeah, we have to first focus on cleaning ourselves. And yeah, as I said, next time whatever you realize about this process, let me know and we'll talk more. Right. And yeah, and after this series of session, we'll go to another series of session, जहाँ पे हम और भी deeper चीजों पे बात करेंगे, कर्म क्या होता है और बाकी इस तरह की चीजों पे, right? ताकि हमारा basic जो होता है ना, basic clear हो जाए, ताकि हम कोई भी शास्त्र जब पढ़ेंगे ना, भगवत गीता वगैरह, तो हम क्लियरली समझ सकें, क्योंकि कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो अभी हम सुन रहे हैं ना, ये सब टर्मिनोलॉजीज है जो वहां पर यूज होंगी शास्त्रों में। ओके, यशवानी जी, यू हैव अ हैंड अप। नो नो, आई डोंट हैव एनी क्वेश्चंस, मे बी मिस्टर। ऑलराइट, या सो यू मस्ट हैव हर्ड, राइट, दैट वी से पीपल, वी ग्रीट पीपल विद आल्सो हरे कृष्ण। इट इज ऑलमोस्ट लाइक rather than say hello, how are you types, मतलब you know, it is better कि भगवान का नाम हम भी ले रहे हैं और वो भी सुन रहे हैं, right? So we do that also. Yeah, it can be, at least people get to hear about Hare Krishna. Hare means Radha Rani, Radha Krishna is what it means. Anyway, so whatever, if you have any questions, or else we are done. Prabhuji, एक request है। हाँ बोलिए। जैसे कि हम ये जो भी श्लोक है और जो भी यूजफुल श्लोक है जो हम स्टार्ट कर सकते हैं पढ़ना, तो आप एक श्लोक पर वीक आप एक श्लोक दे दीजिए और उसका विद ट्रांसलेशन मींस अनुवाद के साथ दीजिए। हाँ, पर वीक हम उसको वो हमारे प्रैक्टिस में भी आ जाएगा और वो हम याद भी कर सकते हैं। और फिर एक्चुअली कैसे होने वाला है ना, मैं आपको बताऊँ, अगर आप थोड़ा सा साथ चलेंगे ना मेरे, तो हम भगवद गीता पूरी की पूरी पढ़ेंगे, चिंता मत करिए, ठीक है। और जब हम पूरी पढ़ेंगे ना, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम एक हफ्ते में, मतलब एक मतलब कितना सारा पढ़ डालेंगे, नहीं नहीं, हम एक हफ्ते में जो लोग आते हैं ना उनको आप पूछिए, मतलब यू नो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक हफ्ते में एक श्लोक मुश्किल से कर पाते हैं, दो घंटे तक डीप डिस्कशन के बाद भी, ठीक है। और वो उसके बाद भी कई बार लोगों को समझ में नहीं आता है, तो नेक्स्ट वीक भी वही श्लोक फिर से बताना पड़ता है। पॉइंट ये है कि हम बहुत डीप जाएंगे, चिंता मत करो आप उसका, मतलब यू नो, आई अश्योर यू कि बाय द टाइम वी फिनिश ना, भगवद गीता आपको बिल्कुल बैक ऑफ द हैंड पता होगा, मतलब यू नो, बट सो आई कैन टेल यू, मतलब आई कैन टेल यू श्लोकास टू रिमेंबर विद ट्रांसलेशन। प्रॉब्लम क्या है ना, कि हम लोग को समझना ये जरूरी है कि हम लोग इनको अप्लाई कर सकें। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इवन इफ यू फॉलो दिस टुगेदर ना, मतलब जैसे चैंटिंग वगैरह में हम फर्म हो सके ना, तो हमको ज्यादा कुछ नॉलेज मिल पाएगा। बट इफ यू वॉन्ट आई कैन शेयर the shlokas to remember. I don't have any problem. But I can just tell you ki the benefit will be limited for you. Because of ye translation ke beyond ka game hai. Ek simple sa shloka jiska bilkul simple translation hota hai na, agar usko agar hum ghus ke samjhenge na, jaise maine bola Ram naam satya hai, to itna simple si baat hai, sabne suna hua hai. Nahi to uska matlab nahi pata tha kisi ko bhi. So shlokas ka meaning bahut deep hota hai kai baar. So aap agar aapko ye lagta hai ki aapko usse kuch fayda hoga, to I will share some shlokas to remember. There are a good set of 108 nice shlokas in Bhagavad Gita. I can share that list. Yeah, to remember. Yeah. I can share that list in the group. That's useful. Sure, I'll go that. Okay. Any questions? Anyone? Everybody is keeping well, right? I hope COVID times where nobody is affected or anything of that sort. They're all happy. But yeah.
एंड लुकिंग फॉरवर्ड, एटलीस्ट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मीटिंग ऑल ऑफ यू अगेन, आई मीन लाइक जब हम फिर से शुरू कर सके इन पर्सन. आई डोंट नो व्हाट इज द सिचुएशन बट आई होप इट वाज यूजफुल राइट टुडेस डिस्कशन. या यस यस या इट्स वेरी यूजफुल. या ओके ऑल राइट थैंक यू. सो या प्लीज प्लीज ट्राई टू चैंट एज आई सेड दिस मंत्रा इज ऑसम मीन यू विल रियलाइज योर द बेनिफिट योरसेल्फ. ओके थैंक यू. ओके थैंक यू. थैंक यू. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. थैंक यू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.